अब इसमें क्या मसला है, टूल है ना, और ये फ्लैट आइकन की लिस्ट है, ये फ्लैट आइकन डॉट कॉम मैंने आपको बोला था। कौन सी वाली? अच्छा ये आपकी वो ग्रेडियंट्स है, ग्रेडियंट्स आते हैं, ये ग्रेडियंट्स हैं आपके, ये रेक्टेंगल थी और क्या है, चले सेम नहीं बनेगा, कुछ तो बनेगा के बजाय मुझे हमें कुछ करना ही नहीं, ठीक है ना। अब ये देखो ना, अब ये आप कैप्चर हो रहा है ना, ये सारा कुछ, कौन सी वाली शेप, ये जो वी शेप है, कौन सी वी शेप है, ये वाली, हाँ ये आपके जस्ट शेप ना हो, इसके अंदर लोड कर दो इमेज, जरूरी नहीं कि ये आपने इमेज लोड करना है, इमेज एनी इमेज हो सकता है। अब ये वी शेप, ये वी शेप जो है ये कैसे बनी है, जिससे मर्जी बना लो आप, कोई रेक्टेंगल भी बना के उसको कन्वर्ट टू शेप्स में भी करके ये वाली शेप में इसको लेके आ सकते हो। आप अपने रेक्टेंगल हो, आपका कोई ट्राइंगल हो, आपका कोई पॉलीगॉन हो, आप उससे इसको रीशेप कर सकते हो कि आपका कार्ड का वो एरिया होगा, और इसको आप किसी ऑब्जेक्ट की कंटेनर के तौर पे उसके इनसाइड भी पुट कर सकते हो क्लिपिंग मास्क के साथ। ये बना के इसको क्लिप मास्क ही किया गया ना, ये बना ये ऑब्जेक्ट, ये बाकी ये अगर आप गौर करो ये शेप्स ही बनी नहीं है ना, या ये कुछ रिप्लेसमेंट है, आपकी कंपनी का नाम हो गया या आपकी डेजिग्नेशन हो गई, और ये आपके फ्लैट आइकन्स हैं। मैंने आपको ये नहीं कहा था ये आइकन बनाने हैं, ये मैंने आपको कहा था ये मौजूद है फ्लैट आइकन डॉट कॉम वहां से। ये देखो ना, अब ये है, ये है, ये शेड्स हैं। अब आपको भी ये मुझसे नहीं बनता, अब इसमें किया गया है, कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं बनती, ये कर्व्स ही है ना सारी, कर्व्स और पेन टूल आपके पास मौजूद है, अब पेन टूल यूज कर लो, हर चीज तो आपके पास पड़ी हुई है इस टूल्स में। ये अब इसमें कहो ये नहीं बनता मुझसे, वो जिससे मर्जी बना लो, ये मिसाल भी है, अपना कोई लोगो बना लो, अपने नाम के इनिशियल का इस राउंड करके उसको लोगो बना लो, जो मर्जी बनाओ आप। एक है कुछ मैंने बनाना ही नहीं, एक है मैंने अटेम्प्ट किया, दिखाता हूं मैं ये। अब ये कोई मुश्किल है क्या, थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, बन हर चीज जाएगी। कौन सी वाली शेप, ये देखो, ये एक आपका ट्राइंगल है, यहाँ एक ट्राइंगल डाल के इसका कलर रेड कर दो, इसमें क्या मसला है, उसकी सेम कॉपी इधर रख दो दोनों तरफ है, क्या ख्याल है, ये रेक्टेंगल की शेप बन नहीं सकती, ये वाली बन जाएगी, यहाँ पे एक ट्राइंगल, यहाँ एक छोटा, आप सिंपल अगर आप और कुछ नहीं है, रेक्टेंगल ही एक नीचे पीछे रख दो, इनके कॉर्नर्स को इधर से और इधर से अंदर की तरफ पुश कर दो, इस रेक्टेंगल, ये समझो पीछे रेक्टेंगल पड़ा हुआ पूरा, इसे इधर थोड़ा डार्क रख दो, इसके लाइट रख दो, इसमें क्या मसला है, ये तो करने वाले पे है ना। आप ये आइडिया कुछ और लगाते हैं, आप कुछ और आइडिया लगाते हो, एग्जीक्यूट करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, रिजल्ट सेम होंगे। आप मेरी बात सुनो, ये मैंने पहले नहीं दिखाए थे आपको, अच्छा एक चीज और आज समझ लो, उर्दू, उर्दू अगर आपने लिखनी है, बाद आप कार्ड्स या कोई ब्रोशर, कोई फ्लायर, कोई बैनर उर्दू का बनाना है, कोई पोस्ट उर्दू में आपने लिखनी है, अब वो कैसे होता है, अभी मैंने फोटोशॉप को स्टूडेंट्स को मैंने लास्ट वीक में वो सारा, हाँ उर्दू फोटोशॉप में लिखने का एक थोड़ा सा डिफरेंट वे होता है, क्वारल में उसको किस तरह, आज इसको भी देख लो चले, कि जब सामने बात आई है तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको उर्दू राइटिंग करनी है क्वारल में करनी है तो कैसे करनी है। बाल का तो कुछ ऐसा आपका क्लाइंट का काम आ जाता है जिसमें उर्दू राइटिंग रिक्वायर्ड होती है, कोई बिग बैनर बनाना है, वहां पे आपने लिखना डिस्काउंट 50%, जो भी है बिजनेस, अब वो आपने किस तरह लिखना है, सेल सेल लिखना है बैनर के ऊपर, को पोस्ट के ऊपर, ठीक है, बम्पर ऑफर लिखना है, कुछ इस तरह का कोई भी टेक्स्ट लिखना है, अब वो कैसे लिखोगे आप। ये देखिए उर्दू टेक्स्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, ये आपको लैंग्वेज बार नजर आ रही होगी बॉटम पे, अब मैं आपको इसमें बताने के लिए चाह रहा हूँ कि हाउ टू राइट उर्दू, ठीक है। दो बनाए थे, एक तुमने बनाना सिखाया था,
और एक दूसरा होगा, वो कार्ड बनाना सिखा रहे हैं सर ना जी, अंजुम नौमान कल कह रहे साउंड आपकी नहीं आ रही, एक सेकंड टेक्स्ट कर देना मुझे, टेक्स्ट मैसेज कर देना। अच्छा जी, अब ये देखो, अब उर्दू राइटिंग कैसे होगी इसमें। अच्छा, उर्दू राइटिंग के लिए या तो आप सॉफ्टवेयर सीखो उर्दू का, बेशुमार हैं उर्दू राइटिंग की सॉफ्टवेयर्स, इन पेज है, उर्दू 2000 और भी डिफरेंट वेरिएशन आते रहे हैं। पहले हमारे वक्त में शाहीन होता था, नकाश होता था, इस तरह के सॉफ्टवेयर हुआ करते थे। रिसेंट टाइम में तो इतनी इसमें डेवलपमेंट हुई है, उर्दू के काफी राइटिंग के सॉफ्टवेयर मौजूद है, एक तो वो यूज कर सकते हो। वहां से आप फाइल को सेव करो और सेव करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लो, जो भी लिखना है टेक्स्ट, टाइटल दे सकते हो, पूरा का पूरा पैराग्राफ दे सकते हो, जो आप करना चाहो। अच्छा, उर्दू को अगर आपने टाइप करना हो कोरल में तो इजी वे इज दैट, ये लैंग्वेज बार नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इसमें अगर आप गौर करें यहाँ पे दो उर्दू के वर्जन है, मैं दोनों बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल होते हैं। एक आपको ऊपर वाले लिखा हुआ है यू आर के साथ, एक ये नीचे लिखा हुआ है उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड, उर्दू कीबोर्ड है और नीचे लिखा हुआ उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड। अच्छा, ये इंस्टॉल कैसे होता है, अगर आपको मैं अपने कंप्यूटर पे उर्दू को यहाँ पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। नंबर वन आपका मेथड है उर्दू इंस्टॉल करने का, वो ये कंट्रोल पैनल में जाइएगा, इस तरह कंट्रोल पैनल आपको फैसिलिटेट करता है, और कंट्रोल पैनल में जाके आप लोगों ने एक काम पता क्या करना है, ये लिस्ट ऑफ ऑप्शंस नजर आ रही होंगी, अगर ये ना दिख रही हो, बाज़ का स्टूडेंट कहते हैं दिख नहीं रही, वजह क्या होती, कैटेगरी में बड़ी लिमिटेड सी स्मार्ट सी ऑप्शन दिखती है, ये आपने कर देना है लार्ज आइकन। सेकंड, आपने जो स्टेप परफॉर्म करना है वो रीजन में जाना है, ठीक है, और रीजन में जाके ये लैंग्वेज प्रेफरेंसेस है, ये वाला लिंक, इस वक्त लैंग्वेज इंस्टॉल है इंग्लिश यूके, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस आपने जब ऑन करनी है तो यहां पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करो, ये है वो लैंग्वेज जो मैंने इंस्टॉल पैकेज, इसका पैक इंस्टॉल हुआ है, इसे बोलते हैं लैंग्वेज पैक उर्दू, ये पहले नहीं थी, ये मैंने इंस्टॉल की। अब कैसे करते हैं, आपके पास भी ये नहीं होगी, कैसे आपने यहां पे इसको प्लेस करना है एड से, यहां पे आपने उर्दू टाइप करना है, उर्दू पाकिस्तान पे आप देख रहे हो ग्रे हुआ हुआ, ये इसलिए हुआ हुआ है कि इंस्टॉल हुई हुई है, आपकी इंस्टॉल नहीं हुई होगी, आपने क्लिक करके नेक्स्ट करना है और आप देखोगे यहां पे आ जाएगा इंस्टॉलेशन के बाद, इस तरह इंस्टॉल करना है। एक तो ये हो गया उर्दू इंस्टॉल। अच्छा, ये उर्दू इंस्टॉल करने का एक फायदा आपको इतना नहीं मिलेगा जो कि मैं आपको थर्ड पार्टी, ये विंडोज का पैकेज है, ये लैंग्वेज पैक विंडोज खुद देता है, रीजन में जाके लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में ये जो लैंग्वेज देता है, इसको अगर आपने स्विच करना है फ्रॉम इंग्लिश, यहां पे चले जाओ उर्दू में आ गए, टाइप लो और यहां पे टाइप करना शुरू कर दो। अच्छा, अगर आप उर्दू लिखते हो आपको दिक्कत होगी, ये देख मैं, मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है उर्दू लिखना, उर्दू लिखने में मुझे बड़ी डिफिकल्टी आ रही है, वजह यह है कि मेरी उर्दू की लेटर्स का मेरा एक फ्लो नहीं बना हुआ, मेरी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, और दूसरा, मुझे कीबोर्ड के किस लेटर से क्या हरफ आना है इसका आइडिया नहीं हो रहा। इसका तरीका ये होता है कि आप इस उर्दू को लोड करने के बाद ये साथ में एक आइकन देख रहे होगे, इसे बोलते हैं टच कीबोर्ड। कौन सा उर्दू कीबोर्ड? जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैंने कुछ कार्ड बनाए हैं, बिजनेस कार्ड आपके साथ शेयर करूं? बिल्कुल, मेरे स्टूडेंट यहीं पे ये कह रहे थे कि ऑनलाइन स्टूडेंट सर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आपके, आपने शेयर कैसे करोगे? जेपीजी बनाई है इसकी? जेपीजी आप एक काम करो, नहीं ना सर, जेपीजी ना, जेपीजी मुझे आप ईमेल पे सेंड कर दो, ईमेल है ना मेरा? जी जी आप ना, ठीक है सर, वहीं सेंड, ये मेरा ईमेल है। कौन था सर? मोहम्मद। हाँ जी, मैं लिख रहा हूँ जी, इस ईमेल एड्रेस पे आपने सेंड करना है,
ये दरमियान में तीन जेड हैं, बाद स्टूडेंट दो कर देते हैं, वो मिलती नहीं मेल मुझे। ओके सर, ठीक है, इसमें मुझे मेल करें और जेपीजी या पीएनजी मेल कीजिएगा ताकि मैं चेक करूं कि क्या बनाया है। अच्छा, ओके सर। और डिजाइन मैंने अभी आपसे शेयर भी किए हैं, खुद भी आपको बेशुमार डिजाइन मिल जाएंगे इसके इंटरनेट पे, ठीक है, तो वहां आप उसको फॉलो कर लो, कुछ ना कुछ बनाओ तो सही ना, मुझे पता चले कुछ आता भी है कि नहीं आता आपको। और इंशाल्लाह मंडे को हमारा अगला मॉड्यूल कौन सा स्टार्ट हो रहा है? फोटोशॉप। फोटोशॉप वो बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, बड़ा उसमें आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो फोटोशॉप आप उसके बाद फिर इलस्ट्रेटर होगा। अच्छा, बात यह है, मैं आपको उर्दू के लिए बता रहा था, उर्दू के लिए आप लोगों ने जनाब ये करना है कि ये बार जो है टास्क बार, इसके ऊपर आपने इस लैंग्वेज को अगर लोड करते हो, नंबर टू आपको टाइपिंग में डिफिकल्टी हो रही है, टाइप करने के लिए आपने टूल अगेन टेक्स्ट टूल ही यूज करना होता है, जहां पे आपने टाइप रिक्वायर्ड है वहां क्लिक कर दो, और उर्दू में अगर आपको टाइपिंग में मसला आ रहा है, आपको लेटर्स का, कीबोर्ड के स्ट्रोक्स का नहीं पता चल रहा कि किससे क्या लगेगा, तो आप इस कीबोर्ड को, टच कीबोर्ड को ऑन कर लो। अच्छा, बात स्टूडेंट कहते हैं टच कीबोर्ड कैसे ऑन होता है, मेरे तो नहीं दिख रहा, तो इसके लिए टास्क बार आपको जो नजर आ रही है इस पर राइट क्लिक करना है और ये ऑन कर देना है, शो। इस वक्त ऑन है ना, दोबारा मैं एक क्लिक करता हूं ऑफ हो जाएगा, ये देखो कि यहां से गायब हो गया, दोबारा से देखिएगा राइट क्लिक, इसको ऑन करना है आपने, शो टच। और ये एक चीज बताऊं, ये विंडोज 10 में है, विंडोज 7 में शायद ना मिले, 8 में ना मिले, विंडोज 10 में तो कंफर्म है शो। अच्छा, ये जब ऑन हो जाए तो आप लोगों ने यहां क्लिक करना है, ये आपका उर्दू का कीबोर्ड का लेआउट आ गया। अब आपने अगर कुछ लिखना भी है आप लिख सकते हो, डाउनलोड नहीं करना, इसको आपने पैकेज इंस्टॉल करना है, अभी मैंने आपको लगा सिखाया, कंट्रोल पैनल में जाके मैंने एक्टिवेट किया ना, नहीं नहीं कहीं से नहीं करना, ये अभी विंडोज के अंदर पैक है इसका, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा ये नहीं करना, ना ये मुश्किल है आप लोगों के लिए, मैं आपको आसान सा सलूशन देता हूँ, ये मुश्किल है, ये बता जरूर रहा हूं आपको, करना नहीं है ये, करना नहीं आपने, करके देखना है, रोकेगा कोई नहीं, करके देख लो। अच्छा, अगली बात, उर्दू लिखनी है ना, ये कीबोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा आपको, हो गया, लिख लिया, मुश्किल हो रही है ना, क्योंकि ये कीबोर्ड का लेआउट जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज देता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको फॉलो करना। अच्छा, एक कीबोर्ड और होता है जो कि मेरी लिस्ट में नजर आ रहा है, ये वाला, इस कीबोर्ड की बात कर रहा हूं, हाँ, इसको बोलते हैं फोनेटिक, फोनेटिक का मतलब साउंड लाइक। अब इससे फायदा मुझे पता क्या होगा, मेरी टाइपिंग अगर अच्छी नहीं भी है ना, मैं अपने फिंगर्स को इस कीबोर्ड के साथ कनेक्ट करने में आसानी होगी, मतलब क्या, ए प्रेस करूंगा अलिफ आएगा, अब क्या हो रहा है, अब ऐसा नहीं है, ये देखो, अब ए प्रेस करने से क्या हो रहा है, यहां करके ये होता है ना, ये वाला मीम आएगा ए से ये। अब मैं आपको थोड़ी देर में एक और चीज दिखाऊंगा, अभी ए प्रेस करने से अलिफ आएगा, बी प्रेस करने से बे आएगा, एस प्रेस करने से सीन आएगा, डब्ल्यू प्रेस करने से वाव आएगा, साउंड लाइक। अच्छा, ये कीबोर्ड का जो स्टाइल है ये कहां से डाउनलोड करना है, इसको तो आप भूल जाओ ना, ये ना करना, अगर मजबूरी हो तो जरूर कर सकता है बंदा, जिसको नहीं पता, जिसको पता है वो एक काम करेगा, वो गूगल करेगा ऐसे, और गूगल में जाके लिखेगा, अच्छा इसको चेंज करना पड़ेगा, गूगल क्या करना है आपने, आपने सिंपल वर्ड्स में लिखना है, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। सर जी, जी सर, मैंने चेक किया, काइंडली मैंने आपको भेज दिए, काइंडली चेक कीजिएगा, मैं करता हूँ ये, जरा मैं क्लोज करूँ, फिर इंशाल्लाह चेक करके मैं क्लोज करूंगा। अच्छा ये देखो, ओके सर, ये मैंने टाइप किया CRULP, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, ठीक है, आपने जैसे टाइप करोगे कुछ लिंक्स आएंगे, ये वाले, ये आपका फ्री सॉफ्टवेयर होता है, ये आपने डाउनलोड करना है, कैसे क्वेश्चन करना है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सा इसमें वैलिड है,
ये लिखा हुआ नजर आ रहा है उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट सॉफ्टवेयर, इस पे आपने क्लिक करना है, ऊपर वाले नहीं करने, इनको छोड़ दो, इस वाले पे करना है आपने क्लिक। और ये जी डाउनलोड, ये है डाउनलोड, ठीक है, यहां से करना है। किस नाम से होता है? अच्छा, मैं ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा, अभी इसको तो देखो ना, आपने इसको डाउनलोड करना है, इसको डाउनलोड करोगे, इसका सेटअप आपने इसको, ये आपकी कंप्रेशन वर्जन होगा, जिप फाइल होगी, ये दिख रही है आपको जिप फाइल लिखी हुई है, ये जिप फाइल, इसको आपने राइट क्लिक करके अनकंप्रेस करना है, और करने के बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा तो कंट्रोल पैनल में देखना, इसकी प्रेजेंस आपकी हो जाएगी इस तरह। ये कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम में फीचर होता है, आपको पता है जो प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं कहाँ पे आपको पाए जाते हैं, सारे प्रोग्राम में फीचर में। ये देखो, ये इंस्टॉल हुआ हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपको भी यहाँ पे नजर आएगा, देखना तो देख लेना, अदरवाइज आप देखना नहीं भी चाह रहे कोई मसले वाली बात नहीं है, ना देखो, आप यहाँ पे जाओ। अब आप उस कीबोर्ड के ऊपर जाओगे जो अभी आपने इंस्टॉल किया, वो ये है, इस पे ना जाना, ये वाला। अच्छा, चले गए, अब अगला काम टाइपिंग करनी है। ये देखिए, मैं अब लेआउट अगर ऑन नहीं भी करूंगा, पी फॉर पे, अलिफ फॉर ए, के फॉर काफ, एस फॉर सीन, टी फॉर, ए फॉर नून, एन, लिखने में आसान है, और फोनेटिक कीबोर्ड। और ये देख रहे हो, अलिफ ए, सीन एस, डी दाल, एफ फे, जी गाव, हे, ये जे है। हाँ जी, तो ये देखो, अगर आप ऊपर वाले लेटर्स पे जाना चाह रहे हो, शिफ्ट प्रेस करके फिर आप क्लिक करना, इधर से कीबोर्ड का शिफ्ट प्रेस कर देना और फिर आप ये प्रेस करोगे तो वो लेटर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये उर्दू कीबोर्ड आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। ये देख रहे हो, मैंने क्या किया, जस्ट उर्दू कीबोर्ड में गया, ऐसे ये ऑन किया, फिर टच कीबोर्ड को एक्टिवेट किया, और जहां पे आपने ऊपर वाला पार्ट प्रिंट करना है शिफ्ट के साथ करना है, जैसे टे प्रिंट करना है, शिफ्ट प्रेस करके टे प्रेस करना, विदाउट शिफ्ट टे आएगा, बात को पिक किया, विदाउट शिफ्ट टे आएगा, और विद शिफ्ट ऊपर वाले लेटर्स जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे प्रिंट हो गए। इंशाल्लाह आपको काफी हेल्प मिलेगी अगर आप उर्दू लिखना चाह रहे हो। हाँ, डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल भी करना है, वो मैंने नहीं करके दिखाया आपको, वो आपका सॉफ्टवेयर जब आ जाएगा ना आपके पास, डाउनलोड कर लोगे तो वो फिर आप, मैं देखता हूँ मेरे पास शायद पड़ा है सॉफ्टवेयर्स में, ये इसको आपने राइट क्लिक करके ना, जब डाउनलोड हो जाए राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ऐसे उसी नाम में उर्दू फोनेटिक ये फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं चले, ये फोल्डर ऊपर आ गया, ये देखो इस फोल्डर में जाना है, इस फोल्डर के देखो फोल्डरों का कहाँ जाना है, ये सेटअप है, इसको राइट क्लिक करके रन कर देना बस। इसमें क्रैक शैक कोई नहीं है, रन कर देना बस, तो आफ्टर अ फ्यू आपकी सेकंड्स ये इंस्टॉल हो जाएगा, और इसका प्रेजेंस कहाँ नजर आएगी, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ, या आपको टेंशन वाली बात नहीं। ये कब आया था, जब रीजन में जाके किया था, अगर रीजन वाला नहीं करना ना करो, ये वाला ऑप्शन आपको ज्यादा सूट करती है, याद रहेगा, ये आप उर्दू के लिए ऐसे अटेम्प्ट कीजिएगा, और जहां कहीं आपको उर्दू का टेक्स्ट रिक्वायर्ड है आप उसको यहां से कर सकते हैं। हाँ, अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, आप इसका फॉन्ट भी, इसके फॉन्ट्स भी मिलते हैं उर्दू के, डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ये देखो, ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और फॉन्ट्स ये आपको यहाँ पे, मैं सोचा साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, जैसे जैसे मैं चेंज करता हूँ, ये फॉन्ट्स देखो कैसे मजे मजे के हैं,
और ये इंटरनेट पे आप गूगल करके फॉन्ट्स काफी सारे आपको फ्री मिल जाएंगे, आप उसमें से जो फॉन्ट चाहिए करंट आपके वर्जन में वो आप यहां से ये देखो, ये फॉन्ट्स हैं अभी आपको ये दिख रही है, सॉरी हाँ इंग्लिश के भी होंगे, ये उर्दू के भी आएंगे, ये देखो ये मैंने इंस्टॉल किए हैं काफी सारे। क्या चीज हाँ क्यों नहीं कर सकते, ये सारे फॉन्ट्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, ये देखो ये देख रहे हो, एरियल उर्दू के फॉन्ट है, जमील बड़ा पॉपुलर फॉन्ट है ये वाला, जो उर्दू के लोग हैं काम करने वाले जानते हैं, जमील नूरी, ये काफी सारे उर्दू के फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। कहोगे तो मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा जहां पे ये फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, ये देखो ये सारे फॉन्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में, ठीक है, ये फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं इंटरनेट पे, अगर गूगल कर लो तो वहां पे भी आप फ्री उर्दू फॉन्ट्स टाइप करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो अपने ही अपने पास। अच्छा जब डाउनलोड होते हैं तो इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी देख लो, वैसे मैं हर सॉफ्टवेयर में जब काम करते हैं तो बताता भी हूँ, जब भी आपके पास फॉन्ट्स आ जाते हैं डाउनलोड हो जाते हैं तो आपको इंस्टॉल करने का तरीका सबसे आसान तरीका वो बताने लगा हूँ, फॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल होते हैं जब डाउनलोड हो जाए तो, ये देखो ये जैसे ये देखो ये फाइल है, अगर कहोगे तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, इसमें फॉन्ट्स हैं, राइट क्लिक करते हैं इसको भी अनजिप कर लेना, कहोगे तो ये मैं फाइल आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है वो इतनी बड़ी फाइल नहीं लग रही मुझे, साइज क्या है इसका 81 MB है, इंडिविजुअल फाइल भी सेंड कर सकता हूँ, ये देखो। अच्छा जैसे इसको आपने एक्सट्रैक्ट किया ना तो ये उर्दू के ये आगे फॉन्ट्स, ये फॉन्ट काफी सारे हैं, ये देखो ये सारे फॉन्ट्स है, पूरा एक 50-60-100 के करीब फॉन्ट्स हैं। अच्छा इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, आपने फॉन्ट्स को सिलेक्ट करना है, इनमें से जो चाहिए कॉपी करना है, सारे करने सारे कर लो, कंट्रोल ए ऐसे कंट्रोल ए सारे कॉपी करोगे, या आप एक फॉन्ट दो फॉन्ट कुछ जो रिक्वायर्ड हैं यहां से आप इसको इंस्टॉल यहां से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके इंस्टॉल हो जाएंगे, ये सबके लिए होंगे, फोटोशॉप के लिए भी होंगे अवेलेबल, कोरल के लिए भी अवेलेबल होंगे और इलस्ट्रेटर के लिए भी अवेलेबल, सारे सॉफ्टवेयर्स में मिलेगा, यहां तक कि वर्ड एक्सेल में भी मिलेंगे फॉन्ट्स, इतना आसान सा काम है फॉन्ट इंस्टॉल करना। अच्छा ये जब हो जाए इसको फिर आप यूज कर सकते हो अपने पोस्टर्स में, अपने एड्स में, अपने ये जिप फाइल में, एक तो कंप्रेस हो जाती है फाइल्स, कोई फॉन्ट साइज बहुत बड़ा होता है, ये फाइलों का साइज बहुत बड़ा होता है, ग्राफिक्स फाइल्स होती है, फाइल काफी बड़ा होता है साइज इसका, तो ये कंप्रेस इसीलिए की जाती है, दो रीजन होती है कंप्रेस करने की, एक तो आपकी हार्ड डिस्क पे स्पेस कम लेती है जिप फाइल कंप्रेस फाइल, दूसरा इंटरनेट पे जब आपने किसी को सेंड करना हो डेटा तो कंप्रेस करके सेंड किया जाता है, और आपको याद होगा मैंने JPG बनवाई थी आपसे, PNG बनवाई थी, वो भी कंप्रेस वर्जन है आपका इसका ग्राफिक डिजाइनिंग में, कॉरल में जो फाइल आप JPG बनाते हो ना वो भी कंप्रेस फाइल होती है, आपने कभी देखा है जब आप कॉरल की एक्चुअल फाइल को देखते हो उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, JPG का फाइल बड़ा छोटा होता है। अब हमारा सपोज हेड ऑफिस दुबई में है, वहां बॉस बैठा है, डिजाइन की अप्रूवल मुझे चाहिए, अब मैं CTR फाइल नहीं भेजूंगा, CTR मतलब कॉरल ड्रॉ फाइल, ये नहीं भेजूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा इसकी JPG बनाऊंगा, ये आप यहां पे देख रहे हो, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये ग्राफिक्स में ये फोल्डर कुछ बने पड़े हैं, ये देखो फाइल का साइज आप राइट क्लिक करके यहां से प्रॉपर्टीज में जाके फाइल का साइज देख सकते हो, ये देख रहे हो कितना है 48 MB, चंद एक छोटे छोटे काम किए हमें, कितनी हैवी फाइल होती है, लेकिन जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हो ना, एक होता है इंपोर्ट करना, एक होता है एक्सपोर्ट करना PDF में JPG में,
पीएनजी में फाइल का साइज रिड्यूस हो जाता है। आपको वो कैसे करता है, उसमें बैकग्राउंड में आपके कंप्रेशन के एल्गोरिथम्स होते हैं, फाइल का साइज बड़ा स्मार्ट शॉर्ट कर देता है, डिटेल को ऑफ कर देता है, इतना कर देता है उसकी डिटेल को खत्म कि एक नेकेड आई फील नहीं करती चेंज, हालांकि डिटेल खत्म हो चुकी होती है उसमें से। और जेपीजी को दोबारा सीडीआर बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बना ही नहीं सकते, तो डिटेल जब लॉस्ट हो जाएंगी रिकवर नहीं किया जा सके, इसे बोलते हैं लॉसी। इस टेक्निक को बोलते हैं, ये हम थ्योरी में पढ़ाया करते हैं, एक लॉसी होता है एक लॉसलेस होता है, ये लॉसी अप्रोच होती है। लॉसी का मतलब डिटेल जो है सीडीआर फाइल की, फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट की, इलस्ट्रेटर की फाइल की, वो टोटली खत्म हो जाती है, और आपका डिटेल जब खत्म हो जाती है तो लाजमी फाइल का साइज छोटा हो जाता है, इसको इंटरनेट पे सेंड करना रिसीव करना आसान होता है, अपलोड डाउनलोड जिसे टेक्निकली बोलते हैं। आप करके देखना ना, एक सीडीआर फाइल बनाना, उसको एक्सपोर्ट करके जेपीजी बनाना, दोनों को चेक चेक कर लेना, फर्क साफ जाहिर है आपके सामने आ जाएगा। हाँ जी, क्यों नहीं बनेगी? ये देखो, ये मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक फाइल है, मैंने ओपन की, ये आपने कुछ डिजाइन किया, ठीक है, इस ये डिजाइन को आपने सेंड करना है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ये होता है एक्सपोर्ट, कंट्रोल ई, यहां पे आपने क्लिक करना है, और यहां पे आपने बताना, ये देखो फाइल क्या बनानी है, किस फॉर्मेट में, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी, और भी हैं, लेकिन हमारे करंट सिनेरियो में जेपीजी, पीडीएफ या पीएनजी, कॉरल ड्रॉ, सीडीआर, वो तो है ना, इस वक्त तो सीडीआर फाइल ही है, ये कॉरल की फाइल को सीडीआर फाइल बोलते हैं, ये ऊपर देख रहे हो लोगोज डॉट सीडीआर फाइल है, ये कॉरल ड्रॉ की एक्चुअल फाइल जो सेव होती है ना, उसकी एक्सटेंशन सीडीआर होती है, कॉरल सी डी आर मतलब ड्रॉ, कॉरल ड्रॉ। अच्छा, आपने इसको अपना क्लाइंट जो आपका दुबई में बैठा हुआ है उसको भेजना है, ये आप क्या करोगे, सीडीआर फाइल थोड़ी भेजोगे, उसको कहां पता सीडीआर का, उसको कॉरल का तो अलिफ भी नहीं आता, क्योंकि आपको भी नहीं आता अभी, मिसाल के तौर पे मैं ये समझता हूँ अभी आपको भी नहीं आता, कोशिश कर रहे हैं आप, तो वो तो बेचारे ने कोशिश भी नहीं की, उसको क्या दिखाओगे जो बनाओगे, तो जेपीजी उसको देखना ही है ना, बनाना तो आपने है, आपने इसको देखने के लिए भेज दिया है एक्सपोर्ट, और ये है जी बीएमडब्ल्यू लोगो, सॉरी उर्दू से दोबारा इंग्लिश में आ जाओ, बीएमडब्ल्यू लोगो फॉर अप्रूवल। चार का क्या करना है, हाँ चारों की भी बन जाएगी, एक सेकंड, अभी एक की तो बनाने, चार की बताता हूँ, देखो ये आपने आगे लोड हो गया ना यहाँ पे, देखो अब आपने ये फाइल जो है प्रिंट के लिए भेज दी है सीएमवाई के, अगर आपने जस्ट स्क्रीन के ऊपर चेक करवानी है आरजीबी, दोनों में फर्क है, ये प्रिंटेबल मटेरियल प्रोड्यूस करता है आउटपुट में, ये आपका स्क्रीन मटेरियल प्रोड्यूस करता है डिजिटल आर्ट के लिए। अब आप देख लो, अगर उसे प्रिंट निकाल के देखना है तो ये सीएमवाई के भेज दो, और रेजोल्यूशन जितनी हाई करोगे उतना फाइल का साइज बढ़ता जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा फाइल का साइज क्या बन रहा है, ये देख रहे हो साइड पे जेपीजी का साइज देख रहे हो कितना है इस वक्त, और कितने सेकेंड ट्रेवल करने के लिए, अपलोड करने के लिए 7 पॉइंट, और किस स्पीड पे, अगर आपका स्पीड इंटरनेट की 1 Mbps केबल या डीएसएल लगा हुआ है मॉडेम, और जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं, लो रिकैलकुलेट कर रहा है साइज को, और अब साइज कितना हो गया 846, और लो क्वालिटी अब कितना हो गया, और ये आप जो है ना यहां से इसको बता सकते हो, और यहां तक के इसको और कस्टमाइज कर सकते हो, लो वैल्यू पे साइज कम होता जाएगा, और जब आप ये कर दिया है ठीक है कस्टम में, आप यहां पे खुद भी बता सकते हो ऐसे सर, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी,
ये जब अच्छी आपने ग्राफिक्स हैं उसमें तो कम अज कम हाईएस्ट नहीं तो हाई और मीडियम तो होना कम अज कम इतना तो होना चाहिए ना। अभी देखो कितना परसेंट 20% कट हो गया है साइज, ये देखो 80% एक्चुअल 100% अच्छी जो इमेज है ना जेपीजी, ये देखो साइज 1 MB पे पहुंच गया, देख रहे हो ये साइड पे। अब आपने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करवानी है स्पीड की वजह से स्टोरेज की वजह से, तो ये आप यहां से सेट कर लो फिर जो भी कर लो। अब ये भी एनवायरनमेंट्स हैं, पीडीएफ आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होता है आमतौर पर प्रेस में भेजा जाता है पीडीएफ, ताकि ये चेंज ना कर सके इसको कोई। पीडीएफ बनाने पीडीएफ बना लो क्या आमतौर पर इंटरनेट के ऊपर जो आप इमेजेस स्टोर करते हो वो आप जेपीजी करते हो, प्रिंटिंग के लिए जो भेजते हो प्रेस में वो पीडीएफ होती है, ये फर्क होता है। इंटरनेट पे अगर आप स्टोर करना हो इमेजेस को, अपलोड करना हो इमेजेस को, वेबसाइट पे रखने हो इमेजेस को, तो जेपीजी बनानी चाहिए, और अगर आपने प्रिंट करवाना हो तो पीडीएफ। पीएनजी भी इंटरनेट का सबसे लोवेस्ट वैल्यू के साथ वो जाता है, मतलब बड़ी क्वालिटी डाउन के साथ। क्या होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बड़ी लो वैल्यूज के साथ होता है। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आपने किस सर्कमस्टांसिस में किस वैल्यू को आपने टारगेट करना है, प्रिंटेबल मटेरियल है या डिजिटल आर्टवर्क के लिए है। तो आपने यहां से इसको डिसाइड करके और ओके करोगे तो ये जनाब आपकी फाइल बन गई। इसको आप जाके यहाँ पे चेक भी कर सकते हो जहां पर मैंने रखी है, ये देखो ये आगे इमेज लोगो जो आपने डिजाइन किया। पीडीएफ में उस लेवल की एडिटिंग नहीं होगी, फॉन्ट्स नहीं चेंज होंगे और बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ कर सकता है करने वाला, अगर टेक्निकली अच्छा है तो वो कर सकता है, लेकिन एक आम बंदा नहीं कर सकता करने को। तो देखो आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए तो बहुत कुछ हो जाता है। ऐसे इतनी भी वो इजी नहीं होता कि उसको एडिट कर ले, और आमतौर पे जब आप फाइनल हो जाते हैं ना डॉक्यूमेंट प्रेस में जब जाता है तो पीडीएफ भेजती है, उसकी पीडीएफ भेजी जाती है ताकि चेंजिंग ना कर सके, फॉन्ट ना चेंज हो जाए कुछ और, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं होता उसमें पीडीएफ में। ठीक है अच्छा चार इमेजेस भेजने हैं, दूसरा हो गया ये देखो आपने ये कहते हैं मुझे चार फाइलें भेजनी है, ये जैसे एक ये होगी दूसरी ये होगी, दोनों क्या करना है हाँ चार आपने भेजनी है। अब ये देखो ना इसके भी काफी सारे पेज बने पड़े हैं, 10-15 तो ये बने हुए। अब आपने इसको कैसे सेंड करना है, एक्सपोर्ट ऐसे जैसे कर रहे होते हैं हम पहले, ठीक है। और यहाँ पे एक काम आपको करना पड़ेगा, कलेक्शन एक्सपोर्ट पे आपने जाना है, और एक्सपोर्ट पे जाके जनाब आपने यहाँ पे क्वालिटी हो गई, एडवांस हो गया, ऑप्शन आपकी मैं वही देख रहा हूँ पेज की ऑप्शन प्रिंट में, वो तो प्रिंट में प्रिंट भेजना है या इसकी एक्सपोर्ट करनी है फाइल, एक होता प्रिंट करना ये प्रिंट एक्सपोर्ट करना है आपने। हाँ मैं आप एक सेकंड बताता हूँ आपको। अच्छा प्रिंट करना तो वो तो आसान है, आप ये काफी सारे ये पड़े हुए हैं पेजेस, ठीक है हाँ प्रिंट करना हो तो वो तो आराम से हो जाता है। फाइल में जाके आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं, आप प्रिंट पे क्लिक करते हुए आप उसकी सेटिंग बताते हो, ये देखो करंट को करना है, कितने पेज को करना है, ये सब कुछ पॉसिबल है। हाँ होना कलर पे चाहिए, वो आपकी कंपनी में ऐसे प्रिंटर होने चाहिए क्योंकि आपको एक्चुअल पिक्सल की वैल्यू कलर की, तो कलर प्रिंटर भी नजर आएगी ना, ब्लैक एंड व्हाइट पे तो वो नजर नहीं आएगा कलर्स की, उसका वो इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा जो एक्चुअल आपका कलरफुल इमेज है। तो बताने का मकसद है यहां से आप अपने, अब एक चीज बताऊं इस डॉक्यूमेंट में कॉरल के 17 पेजेस है, ये बता रहा है आपको कितने 17 पेजेस हैं, ये नंबरिंग आपको नीचे नजर भी आ रही है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन।
17 पेजेस हैं, यहां पे आप इस 17 के 17 पेज को प्रिंट करना, तो पेजेस पे भी क्लिक कर सकते हो और करंट डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक कर सकते हो। बात एक ही है, करंट डॉक्यूमेंट का भी मतलब क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट। अगर सिर्फ एक पेज करना है जो कि करंट है, ये वाला तो आपने करंट ऑन करना है। अगर पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है जो कि 17 पेजेस हैं, ये होगा। और अगर आपका कुछ पेज करने हैं कुछ नहीं करने हैं, तो फिर पेजेस में आ जाओ। यहां पे आप बता दो, फॉर एग्जांपल यहां पे आपने इवन एंड ऑड प्रिंट करने हैं या सिर्फ ऑड पेजेस करने हैं। ऑड पेजेस का मतलब क्या होता है, 1, 3, 5, 7। इवन का मतलब क्या होता है, 2, 4, 6, 8। ऑल का मतलब होता है दोनों। और इसमें से भी अगर आप चाह रहे हो कि मुझे सिर्फ दूसरा करना है, तीसरा करना, कॉमा लगाते जाओ। चार पेज प्रिंट होंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां, इस तरह भी कर सकते हो। 17 पेजेस में से कौन कौन सा जो दूसरे पे डिजाइन फाइनल हुआ है, तीसरे पे, चौथे पे, आठवें पे, इस तरह, ठीक है। और अगर आपने रेंज देनी है, आप कहते हैं मुझे पांचवे से लेकर दसवां, तो 5 के बाद डैश लगा के 10 टाइप कर देना, प्रिंट निकल आएगा। कौन कौन से पेज का, पांचवे से लेके दसवें तक। और अगर आप एक टीम है ग्राफिक डिजाइनर की, उनको ये 5 पेज, जो 5 पेज दो लोग हैं उनको भेज दिए, दोनों को 2 कॉपियां निकाल दो इसकी। 5 एक दफा निकलेंगे, फिर 5 में दूसरी कॉपी निकलेगी इसकी। टोटल कितने पेज निकलेंगे, 10। क्या पीडीएफ कैसे निकलेगी, ये सोचने वाली बात है। एक तरीका तो आपको मैंने बता दिया कि सिंगल पीडीएफ निकलेगी, एक तो ये हो सकता है। हाँ, ये गुड क्वेश्चन। अब आपने इसकी पीडीएफ कैसे, प्रिंट तो आप भेज दोगे ऐसे जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब जब इसकी जो आपने करनी है पीडीएफ बनानी है, या चले पीडीएफ के ऊपर अटेम्प्ट करते हैं, पहले पीडीएफ बनानी है, ये रहे पीडीएफ, इधर से भी बन जाएगी पीडीएफ, यहां से भी पब्लिश में बन जाएगी, ये लो जनाब। अब पीडीएफ प्रीसेट्स हैं, ये है प्रीसेट्स, ये सेटिंग है, ये बटन है, आपका काम इधर से होने वाला है, यहां से आपका वही काम हो रहा है जो आप चाह रहे हो। क्या ख्याल है, हो नहीं गया, पीडीएफ बन जाएगी। कितने पेज की बनानी है बताओ, मुझे चाहिए 1 से लेके 5वें पेज तक की पीडीएफ, ठीक है। और आपने यहाँ पे सेटिंग में जाके ओके करने के बाद, ये लो बताओ जी कहाँ रख दूं, एक नए फोल्डर में, और फोल्डर का नाम रख देता हूँ 1st 5 pages of max। तो जी अब देखते हैं क्या करता है, सेव, उसको देखते हैं। हम देख लो जाके, ये लो एक क्लाइंट के फोल्डर में मैंने यहाँ पे इसको रखा है जनाब, ये आ गया ग्राफिक्स में, मैंने एक फोल्डर था कहाँ पड़ा हुआ था, ये प्रोजेक्ट्स में, जी कहाँ रखा मैंने पीडीएफ, एक सेकेंड, दोबारा से चेक कर लेते हैं हमने कहाँ सेंड कर दिया है, यहाँ से पीडीएफ, लोकेशन क्या थी हमारी, अच्छा कॉरल प्रोजेक्ट्स में माई क्लाइंट्स है, ये लो कलेक्शन ऑफ लोगोस, ये पूरी बुक बन गई ना आपकी, समझ लो पेजेस आ गए 5 पेज, इस तरह प्रोपोर्शन बन जाएंगे, पूरे आ जाएंगे उसी तरह, हाँ पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शन बन जाएगा, पूरा मैगजीन प्रिंट करवा लो, प्रोपोर्शन भी इस तरह, हाँ टाइटल वो अलग रखना है वो अलग रख लो। ये आपने जस्ट यहाँ से ना, फॉर एग्जाम्पल आपको ये 30वें पेज से लेके 6वें पेज तक प्रिंट निकालना है, 30वें से HP का लोगो, IBM का ये या आप जो भी मतलब आपने डिसाइड किया है, मुझे ये 3 पेज प्रिंट करने हैं,
चौथे से लेके छठे तक, ठीक है। आपने जस्ट पीडीएफ पे क्लिक करो, यहाँ पे चले जाओ या फाइल में जाके आप पब्लिश में चले जाओ, और यहाँ पे आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में, सेटिंग में बाय डिफॉल्ट करंट डॉक्यूमेंट ऑन होता है, आपको यहाँ पे जाना है पेजेस में, और यहाँ पे पेज नंबर बता दो, जो भी है, चौथा पांचवा छठा। ओके, सेटिंग बता दी आपको, सेव, लोकेशन बता दो, माय क्लाइंट्स में इस फोल्डर में चले, इधर ही कर लेते हैं सेव। एक डॉक्यूमेंट बनने वाला है, उसका नाम होगा कलेक्शन ऑफ लोगों की बजाय हम कर देते हैं फर्स्ट थ्री पेजेस, या फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ये बन गया जी डॉक्यूमेंट, इसको जाके यहां पे टेस्ट कर लो। ओपन करके देख लो, तीनों आ गए। इस तरह आप पूरी की पूरी बुक भी अगर आप पब्लिश करना चाह रहे हो तो की जा सकती है। हाँ, जो भी है, जो भी है, मैगजीन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ, सब कुछ पॉसिबल है। जी, उसको आप पीडीएफ सेंड कर दो और अपना काम आप कर लो। अच्छा जी, अब आ जाओ जी आज का लेसन। अच्छा, आज का लेसन क्या है कि आप लोगों ने, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी के बारे में बता दूं। ट्रांसपेरेंसी क्या करता है, आप कोई भी आप बस ऑब्जेक्ट है या कोई पिक्चर है, ठीक है, कोई पिक्चर है, कोई ऑब्जेक्ट है, आप ट्रांसपेरेंसी टूल को आप एक्टिवेट जैसे करते हो, ऊपर देख रहे हो काफी सारी ऑप्शन आ रही हैं, ये वाली बाय डिफॉल्ट ये नो है, ट्रांसपेरेंट में नो है। पहले तो एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैं कोई फील्ड डाल देता हूं ब्लू, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ये देखो नीचे जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ये यहां पे एक ऑप्शन आ गई, ये ट्रांसपेरेंट कर रहा है, रेड था ना सर्कल, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ये जीरो वैल्यू। कितना परसेंट ट्रांसपेरेंट करना है, क्या 100% कर दूं, ये लो 50 कर दूं, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट कर रहा है। और ये सिर्फ इसी को नहीं कर रहा, आपका कोई इमेज भी हो ना अगर, उसको भी करता है ट्रांसपेरेंट। इमेज ले आते हैं एक जरा, हाँ कोई भी इमेज ले आते हैं, अब आप इस इमेज के ऊपर ट्रांसपेरेंसी, कौन सी सिलेक्ट है, ठीक है, क्लिक करना, पहले सिलेक्ट कर लेना, फिर ट्रांसपेरेंट कर रहा है आपके इस मॉडल को, जस्ट आप इसकी ट्रांसपेरेंसी यहां पे जितनी भी करनी है आप कर सकते हो, मर्जी है। हाँ जी, ट्रांसपेरेंट कर देता है, और लाजमत है जो इसके पीछे आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे विजिबल हो जाएंगे, ऐसे ही ऑब्जेक्ट इसके पीछे है ना, अभी तो नहीं दिख रहा, अभी हाँ जी हाँ अभी करते हैं। अच्छा, ये आप ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब कोई शेप भी हो सकती है, उसको ट्रांसपेरेंट कर दो। सबसे पहले क्लिक करना लाजमी है, आपने अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दिया जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स लगाने हैं, और करने के बाद ये टूल है, इसको आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास बाय डिफॉल्ट ये होता है नो, इसके बाद और भी ऑप्शंस हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ये देखो जैसे मैं क्लिक करता हूं यहां पे आप ट्रांसपेरेंसी के डिफरेंट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ऑल भी है, दूसरा भी है, फिल भी है, तीसरा भी है, आउटलाइन भी है। ये किस पे होगा, कोई शेप होगी ना उस पे, अभी मैं ऑल रखता हूं,
और यहां से आप इसको चेक करो, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। ये यूनिफॉर्म हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अच्छा, इसमें अगर आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे या ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसके साथ ये ट्रांसपेरेंसी के साथ ब्लेंडिंग करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इन्वर्ट कर दो, हार्ड लाइट के साथ चले जाओ, ये डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। ये याद ना करने बैठ जाना, इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है आपने इसके ऊपर कि किस पे क्या इफेक्ट्स आते हैं। रेड रेड सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जो बैक पे पड़ा हुआ है, ग्रीन हो जाएगा, यहां से आप ब्लूज को कर देगा ट्रांसपेरेंसी में। ये आप नॉर्मल से स्टार्ट करना है, नॉर्मल ये होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, साथ वाला एक पार्ट है ये, मैं चले इसी को करता हूं अभी, इमेज को अलग से देखते हैं। ये देखिएगा, यहां पे मैं आउटलाइन ले लेता हूं, इसकी साइज थोड़ा बिग कर देता हूं। अगर आप इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स लगाओगे जो कि मैंने ऑन कर दी है, अब ये ट्रांसपेरेंसी किस चीज के ऊपर लगानी है ये आपने यहां डिसाइड करना है, ऑल पे लगानी है या फिल पे लगानी है। फिल पे लगानी है क्या आउटलाइन के ऊपर कुछ हो रहा है? नो, सिर्फ फिल के ऊपर एप्लीका कर रहा है, ठीक है। तो एक ऑप्शन है अगर आप यूज करना चाहो, इस पे आपका स्ट्रोक पे आउटलाइन पे होगा, फिल को वैसे ही रखा हुआ है। बाद का आपको बाद सिचुएशन में जरूरत पड़ सकती है। तो ट्रांसपेरेंट आपने किसको करना है? बाय डिफॉल्ट वैसे ऑल होता है, बाय डिफॉल्ट ये होता है, और ये आप यहां से भी कर सकते हो कंट्रोल। ये जो आपने वो नीचे हैंडल से किया था वो यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट कितना करना है, जो कि आप यहां से कर रहे हो तो ऊपर भी वैल्यू चेंज होगी। वो देख रही हो ऊपर 17 हो गई, 27 हो गई। इसका मतलब है चाहे आप यहां से कर लो कंट्रोल, चाहे यहां से कर लो कंट्रोल, ये प्योर देखना है तो ब्लैक होता है जो कि है। अगर इसकी थोड़ी सी वेरियंट्स चेंज करनी है, ये देखो ये बने बने टेम्पलेट समझ लो, देख रहे हो जैसे जैसे ये और ट्रांसपेरेंट कर देगा, ये मजीद ट्रांसपेरेंट कर देगा, ये मजीद ट्रांसपेरेंट करते करते यहां पे आ चुकी है, देख रहे हो ट्रांसपेरेंट हो गया ये वैल्यूज आप यहां से। इसका मतलब है चाहे यहां से स्लाइडर से कर लो, चाहे ये बने बनाए जो आपके सैंपल्स हैं यहां से करो, एक ही बात है, ये जीरो है, ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू है पिकर में, इसमें प्योर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और ये यहां पे आप उसकी वैल्यूज को चाहे इधर से कर लो कंट्रोल, चाहे आप यहां से जाके कर लो बात, एक ही बात है, चाहे आप इधर से कर लो, एक ही बात है। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसा दिखाना चाह रहे। मिसाल के तौर पे इस शेप को आप मजीद इस पे वर्क करके इसको ग्राउंड के ऊपर, कार्ड के ऊपर आप इसको शो करना चाह रहे हो एज ए ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट करना चाह रहे हो। कर लेते हैं ये जनाब, ये हाँ ये मैंने बनाया, और बनाने के बाद इसको आपको कल काफी सारी चीजें बताई थी, अलाइनमेंट बताई थी, और भी आपको काफी चीजें मैंने उसमें सिखाई थी। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है बड़ी जबरदस्त किस्म की। अब आप इस डिजाइन में यहां इसको मैं क्लिक कर देता हूं, आउट करता हूं। अगर नहीं समझ आ रही, ऑब्जेक्ट पैनल ऑन कर लो, कोई कंफ्यूजन है, ऑब्जेक्ट पैनल ऑन कर लो। और ऑब्जेक्ट पैनल में से मैंने निकालना क्या है, मैंने रेक्टेंगल को एक्सक्लूड करना था, इसकी मुझे फिक्र थी, ये नहीं सिलेक्ट करना मैंने, ठीक है। और ये मैंने आउट कर दिया, और इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं यहां से। बिल्कुल बेस में अलाइन एट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट ये वो करके और अच्छा करो इसको। तो ट्रांसपेरेंट से क्या होता है, एक आप बेस बनाते हो, एक ग्राउंड सेट करते हो, एक पैटर्न सेट करते हो। पैटर्न आप उसकी विजिबिलिटी को लो करोगे तो होगा ना, पैटर्न बन गया।
तो ये कि आप कोई आर्टवर्क बना रहे हो, कोई ब्रोशर बना रहे हो, कोई फ्लायर बना रहे हो, कोई बिजनेस कार्ड बना रहे हो, कोई कवर पेज बना रहे हो, उसमें आप इसको शेप्स को यूज करते हुए भी बहुत कुछ किया जा सकता है ट्रांसपेरेंसी के साथ। ठीक है, जो बेस कलर है वो आपका ब्लू है और उसके ऊपर पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाए गए, उनको ट्रांसपेरेंट कर दिया गया, वो ऐसे लग रहा है जैसे उसकी बेस के साथ मिक्स एंड मैच हो गया। बात समझ रहे हो? तो कलर आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कर दो, शेप जो दिल करता है वो कर दो, ट्रांसपेरेंट एक बड़े अच्छे अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है आपकी शेप्स के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर। और अगर इसका ग्रुप बना लेते तो और अच्छा हो जाता, आसान हो जाता आपके लिए काम। तो ग्रुप ऐसे बनता है, ऑब्जेक्ट पैनल से थ्रू बना लो तो गुड हो जाएगा, ये लो इनका ग्रुप बना दो, बेहतर हो जाएगा काम। ग्रुप बनाने से फिर आपको वर्क करने में आसानी हो जाएगी। 24 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है, देख रहे हैं, ये ग्रुप बन गया, एक्टिव किया। और इसको अगर एक्सपैंड करना है, ये लो ये ग्रुप एक्सपैंड हो गया, ये क्लोज हो गया। और आपने इनको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन में है, ग्रुप के अंदर जाके आप शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो सारे एलिमेंट सिलेक्ट हो गए। अब ट्रांसपेरेंसी आपने एक्टिवेट की हुई है, ठीक है, तो ये आपके नीचे एक स्लाइडर भी नजर आ रहा है, चाहे यहां से कर लो, चाहे मैंने बोला आप यहां से जाके कर लो। अच्छा, इसमें एक चीज और हो सकती है, एक तो ये था ना आपका यूनिफॉर्म, एक और होता है फाउंटेन, फाउंटेन, लेकिन उसको दिखाने से पहले मैं एक काम करता हूं, इसको ना विजिबल करता हूं ताकि आपको फाउंटेन का समझ भी आए। फाउंटेन क्या कर रहा है, पहले इस पे देख लो, ट्रांसपेरेंसी, ये फाउंटेन सेकंड वाला, इस पे क्लिक कर दो, ये आपको एक ट्रांसपेरेंसी में लीनियर, रेडियल, एलिप्टिक जिसे बोलते हैं, कॉनिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, और ये आपका आ जाएगा रेक्टेंगुलर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। ये लीनियर है, लीनियर अप्रोच दिख रही है आपको, लाइट व्हाइट से ब्लू की तरफ जा रहा है। आप क्या इसका कलर चेंज कर सकते हो, करना चाहो इसके स्लाइडर से आप इसकी वैल्यूज को अपनी मर्जी से स्मार्टली ब्लेंडिंग उसकी वन वे की तरफ, और अगर आपने इक्वली स्पेस देनी है सेंटर में ले आओ, और अगर आपने लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम लेके जाओगे तो ये। अच्छा, अब आप अगर इसमें कोई कलर अदर देन दिस पुट करना चाहो, वो कलर कैसे आते हैं, ये आप यहां से क्लिक करके इसकी वैल्यू को यहां से इंक्रीज भी कर सकते हैं। ऐसे ये खत्म हो गया, ये आ गया, मतलब उस कलर को भी ट्रांसपेरेंट बना सकते हो जो कि ब्लू था। इधर आ जाओ, ये ब्लू था आपका, फुल क्या था, ब्लू वर्जन। ब्लू वर्जन को क्या किया उसने, लीनियर, लीनियर में क्या किया इसने, जो लेफ्ट साइड थी, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, उसको ब्लू का सबसे लोवेस्ट वैल्यू पे ले गया व्हाइट में, और जो इसका राइट साइड है उसको वो ले गया, असल में कलर क्या था, ये ब्लू था ना, ब्लू को उसने फाउंटेन, फाउंटेन का मतलब स्टार्ट और एंड के दरमियान में उसकी कलर का जो लाइट और डार्क मोड है दोनों को ब्लेंड करके फाउंटेन फिल करके दिखा दिया। अच्छा, आप अगर चाहो इसमें दो कलर्स ऐड करना कर सकते हो, यहां से पिक करो, ड्रॉप कर दो, यहां से पिक करो, ड्रॉप कर दो, हां जी दे सकते हैं। अब यहां पे आप आके इस कलर की प्रेजेंस कितनी चाह रहे हो, ये यहां से डिसाइड करो, कलर की प्रेजेंस कितनी चाह रहे हो। अच्छा, ड्रॉप इसने, एक सेकेंड, इसको इस तरह करते हैं, इसको हम कर देते हैं नन, ट्रांसपेरेंसी ऑफ कर दी मैंने, ठीक है जी। और इसको हम कर देते हैं जाके फिल ऑफ, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंसी ऑन की। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं यहाँ पे, अब वाइट है ना, नन है,
कलर पिक 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 कलर। अच्छा ये मैंने फाउंटेन किया और फाउंटेन में यहाँ पे हम नॉर्मल और ये आपका लीनियर लीनियर फाउंटेन हो गया, लेकिन ये आपका चलेगा एक कलर आप जो इसमें कलर पुट करोगे ग्रेडियंट्स चलेंगे। इसको इस तरह ले लेते हैं, अगर इस तरह अलाउ नहीं कर रहा इसको इस तरह कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स डाल देते हैं। ये ले ये फिल्म है ना इंटरैक्टिव फिलिंग, ये यहाँ पे ठीक है, एक तरफ ब्लू है एक तरफ व्हाइट है, यहां से रेड टोन डाल दी, इधर ये हम कर लेते हैं जनाब ब्लू कर देते हैं। ठीक है वो डिफॉल्ट वैल्यूज थी, तो ये यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो इसमें मौजूद हैं आपके पास काफी सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं, यहां से आप इसको फिल कर सकते हो। और जहां तक ट्रांसपेरेंट करना है तो ट्रांसपेरेंट के लिए फिर ये यूज होगा, कितना ट्रांसपेरेंट करना है नहीं करना उस वैल्यू को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये इसको अगर फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास अगर इमेज भी था और उसके ऊपर अगर आपने ट्रांसपेरेंसी एक्टिवेट करनी थी तो ये आप यहां से इमेज हो या कोई शेप हो ये आपका बिलो के साथ इसको वो अटेम्प्ट करता है, जो इसके बिलो नीचे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स उसके साथ आपको दिखाता है। तो ये आपने यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये आपने फाउंटेन है, फाउंटेन के अलावा फाउंटेन में भी जो आपके पास है आपके पास लीनियर है अप्रोच, ये लीनियर दिखा रहा है, रेडियल है, फिर कॉनकल है, फिर रेक्टेंगुलर है, आपने किस फॉर्मेट को यहां पे अटेम्प्ट करना है और ये यहां से इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ये देखो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ये स्क्वायर शेप में हो रहा है, रेक्टेंगल था ना अपना, कितना का आप उसे शो करना चाह रहे हो इमेज को। ये आमतौर पे जब आप लोड करते हो ना इमेजेस को किसी कंटेनर के अंदर तो आप चाह रहे हो उसके जो एजेस हैं वो सॉफ्ट रहे, तो आप इसको ट्रांसपेरेंट करके उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये देख रहे हो जैसे जैसे आप इसमें भी वेरिएशंस हैं, आप फाउंटेन में क्या आप लीनियर अप्रोच के साथ जाना चाह रहे हो, इसको अगर आप चाहो इसकी वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हो, अपसाइड डाउन भी कर सकते हो यहां से ऐसे, और इसको आप यहां से मजीद कंट्रोल भी कर सकते हो। डाउन करोगे सॉरी ये कलर नहीं होता, हम कलर के सेंस में ले रहे थे, ये ट्रांसपेरेंसी करता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट आपको क्या बता रहा है, जब आप ब्लैक बार की तरफ जाते हो तो प्योर वे उसके पिक्सल्स जो है ना इमेज के वो नजर आने शुरू हो जाते हैं, और जब आप व्हाइट बार की तरफ जाते हो तो उसके अंदर क्या कर देता है आपकी लाइट के थ्रू उसको ट्रांसपेरेंट करता है। ये देखो जितना करना चाहो इसको कर सकते हो। अब ये लीनियर अप्रोच यूज करनी है तो ये लीनियर कर लो, और अगर आप यहां से इसको कंट्रोल मजीद किया जा सकता है, ये देखो डायरेक्शन ये हैंडल के थ्रू, और ये आपकी फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, आपको लेफ्ट से राइट करनी हो राइट से लेफ्ट करनी हो कर सकते हो। ये लो इधर ले आओ इसको उठा के इधर ले जाओ, अब ट्रांसपेरेंट आपका जो एरिया है उस हिसाब से आप इसको कंट्रोल करोगे, अब आपका लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रांसपेरेंट हो रहा है। फ्री हैंडल के थ्रू मजीद इसको एक्सरसाइज करके आप देख सकते हो, ये देख रहे हो कितने कमाल तरीके से आप अपने इमेज के डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसपेरेंट ऑन ऑफ करके जहां पे आप को रिक्वायर्ड है जितना है उस हिसाब से आप इसको कर लो, अच्छी ऑप्शन है। और ये सिर्फ आपकी इमेजेस के ऊपर नहीं शेप्स के ऊपर भी चलती है, अभी आपको दिखाया शेप्स के ऊपर करके पेज करना और इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ये देखो मतलब आपने कुछ हिस्सा ट्रांसपेरेंट दिखाना है इमेज का इतना, बाकी आपने प्रॉपर प्योर दिखाना है। ठीक है तो कर लो इधर से कंट्रोल कर लो, ये लो ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो गया, ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो गया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो गया, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो गया, और इसकी अगर आपने ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना है तो इस बॉक्स को आप थोड़ा सा डिस्टेंस करना शुरू कर दो, ये ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो रही है उसके अंदर, मतलब उस सेगमेंट में मजीद एड ऑन हो रहा है, और इसको आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो ऐसे।
जितना आपको रिक्वायर्ड है। बाद में इमेजेस आपको रखने पड़ते हैं लेकिन उसकी प्रेजेंस बिल्कुल लो वैल्यूज के साथ दिखानी पड़ती है, तो कर सकते हो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू। और ये ट्रांसपेरेंसी में डिफरेंट वेरिएशन है, लीनियर है, फिर ये ले लो, ये रेडियल अप्रोच है, ये ले लो, ठीक है जी, ये भी है रेक्टेंगुलर, और फिर इनको आप पॉइंट को सेंटर कर लो जहां पे करना है। ये आपका रेक्टेंगुलर है और ये आप ही क्लोज करोगे तो ये उसको एडजस्ट कर लेगा यहां से। अब आपने उसका फॉर्मेट क्या रखना है वो आपने यहां से डिसाइड करना है। और ये आपके पास इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं कि आप अगर चाहो तो ये भी कर सकते हो। इसको अंडू कर देता हूं, बल्कि इसको नो करके मैं दोबारा आपको नया वर्जन देखते हैं इसका, एक और वर्जन। ये देखो वेक्टर पैटर्न, ये देखो ये क्या करता है, आपके इमेज के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स डाल देता है, वेक्टर वेक्टर पैटर्न। आपको अगर रखना हो ये वाला पैटर्न रख सकते हो, अदर देन दिस ये भी है, ये लो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको इमेज को कैसे शो करना चाह रहे हो, काइंड ऑफ फिल्टर लग गए, निकाल दो इसको, नो नन खत्म, एक्टिव करना, ये लो ये एक्टिव हो गया। और भी हैं काफी सारे, ये ले लो डाउनलोड पैटर्न्स, ये लो ये ले लो, वैसे तो बड़े लिमिटेड से हैं, ये देखो ये लग गया। और इसमें आप यहां से कंट्रोल भी कर सकते हो, ये साइज इसका देख रहे हो, साइज बड़ा हो गया जो पैटर्न लगा, साइज छोटा करना है, ये लो स्ट्रेच हो गया पैटर्न, वर्टिकली स्ट्रेच करना है वर्टिकली स्ट्रेच यहां से कर लो। और नंबर ऑफ हाँ वो आप अपने इमेज, अच्छा ये सिर्फ इस पे नहीं है, ये शेप्स पे भी ऐसे ही है, ये तो मैं इमेज पे करके दिखा रहा हूँ ना, शेप से आप अटेम्प्ट करना तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट, अगर नहीं चाहिए ये पसंद नहीं आता कुछ और अटेम्प्ट करना है, ये लो। अच्छा वेक्टर पैटर्न के अलावा एक और है बिट मैप पैटर्न, इसमें आप अपने इमेजेस को लोड कर सकते हो, ये लो। इसमें भी कुछ हमारे पास अवेलेबल है बिट मैप्स, वैसे तो ये मेरे ख्याल में शॉर्ट है वैल्यूज, लेकिन ये दिखा रहा है कुछ है, इनको अगर आप यूज करना चाहो बने बनाए सैंपल्स यहाँ पे अवेलेबल है, ये ले लो ये ले लो ये कर लो। और ये जो आप कह रहे थे ना, यहां से आप ब्राउज करके बिट मैप्स इंपोर्ट भी कर सकते हो, ये इमेजेस होते हैं, ये इमेजेस हैं असल में, इमेजेस को आप यहां पे लेके आ सकते हो, ये जितने आपके हैं ये इमेजेस हैं, ये देखो एक इसमें ये आपको ये दिख रहा होगा, हाँ ये आप डिजाइन करके ना इमेज फोटोशॉप में इमेज के ऊपर वर्क करके उसको ऐसे बिट मैप सेव करके आप यहां पे रख लो और फिर उसको लोड कर लो। मेटल इमेजेस ये हैं, ये मेटल वाइज, ये मेटल आपको इस तरह का डिजाइन में, और इसको मजीद ट्रांसपेरेंट करना हो, मतलब इतनी किसके अंदर वेरिएशन है कि इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। बाकी ये उसको बिट मैप को इंक्रीज डिक्रीज स्ट्रेचिंग ये सारी यहां से आप कर सकते हो, बिट मैप्स भी हो गए। फिर एक और है जी, आप अगर चाहो मैं इसको खत्म करता हूं, ये देखो अगर आप चाहो इसके अंदर आप दो कलर्स पैटर्न भी डाल सकते हो, जो अभी स्टार्ट में बात हुई थी, दो कलर भी इंट्रोड्यूस करो, ये दो कलर किस तरह पैटर्न के कलर्स ये हैं जी, वो कलर्स ये देख रहे हो, ये है, इसको थोड़ा सा आप ट्रांसपेरेंसी इसकी लो कर दो ताकि ये डिब्बे इतने क्लियर, ये लो ये ले लो। ये देखो कितने सारे हैं, और इसको आप ब्लेंड करके भी देख सकते हो डिफरेंट उसके वर्जन्स। ये फिल्टर नहीं होते जिस तरह, और ये आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो इसको यहां से फॉरवर्ड, ये फोरग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा, फोरग्राउंड
ये देखो ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा, ये देखो ये आपका वो पैटर्न है जो करंटली आपने ऑन किया है कि यहां से आप इसको ये सारी चीजें आप करके अप्लाई करके आप देख सकते हो, ये नॉर्मल बिहेवियर है, ये पैटर्न्स हैं और भी है नीचे, ये देखो ये वाला मतलब जो भी लगाना है, जो भी आपको करंट फ्रेम में रिक्वायर्ड है आप इसको यहां से इसको सेट करके आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एक चीज इसकी एडिट ट्रांसपेरेंसी ये बटन है, ये आपको ले जाएगा उन वैल्यूज को जो आप समझते हो कि इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए था, कर लो ये सब के लिए है, ये देखो ये नन हुआ, इस पैनल को ऑन कर लोगे ना इसमें सब कुछ मिलेगा। मैं इसको जस्ट रैप अप करने जा रहा हूं, आपने जब ट्रांसपेरेंसी लगानी है नन कर दिया मिसाल के तौर पे, ट्रांसपेरेंसी लगानी है और आपने फुल इसको एक्सप्लोर करना है ठीक है, तो ये कैसे करना है, आप इनमें से कोई भी अगर ट्रांसपेरेंसी एक्टिवेट करते हो ना तो ये आपका एडिट आ जाता है ये वाला, ये बटन। अच्छा इसमें एक बड़ी कमाल की चीज है, आप ये सारी चीजें अवेलेबल है इसके अंदर, चेक करो जरा ये तो हो गए इसके मोड्स, ये कलर्स आपने जो दे रहे हैं ये आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया बाहर भी था। अच्छा एक तो ये हो गया, सेकंड वाले पे आ जाओ, ये आपको कलर्स ये देख रहे हो कलर्स, यहां से आप बड़े ही आराम से मजीद इंट्रोड्यूस करवा सकते हो जो भी कलर आपने इसके अंदर पुट करना है, ये कलर इसमें से आप एडिट करके यहां पे डबल क्लिक करके ऐड कर सकते हो, डबल क्लिक करके सॉरी इसमें आपने ट्रांसपेरेंसी की वैल्यूज जहां जहां इंट्रोड्यूस करवानी है ये की जा सकती है। जहां तक फिलिंग का ताल्लुक है, फिलिंग का ताल्लुक है ये आपको यहां पे ये देखो डिफरेंट डिफरेंट है जो स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है। अब ये ना तो याद रखने वाली बात है नहीं, ना आपने याद करना है इसको ठीक है, और मजे की बात है ये जो आपको ऊपर इसके टेक्सचर लगा हुआ है ना इसको यहां से चेंज भी कर सकते हैं, ये देखो स्टेप्स कम करने हैं और इसकी विजिबिलिटी अपीयरेंस आपके यहां पे होने वाली है। इसका मतलब है जितना आपको अभी तक सिखाया ना ये एक एक चीज यहां पे अवेलेबल है, आप यहां से इसकी इन प्रॉपर्टीज को विड्थ और हाइट इसकी पैटर्न की कम ज्यादा करनी है, ये देख रहे हो इसको आपने रोटेट करना है, ये देखो उधर भी हो रहा है इस सैंपल में भी हो रहा है, इसको आपने एंगल वाइज रोटेट करना है, ये देखो आपको ये नहीं अच्छा लग रहा आपने ये वाला लेना है स्टाइल, ये ले लो बैलून वाला सर्कल्स वाला ये लेना ये ले लो, ये जब आपने ऑन किया तो इसको फर्दर यहां से आप बड़े अच्छे तरीके से विड्थ और हाइट और इसकी एक्स और वाई की पोजीशनिंग आगे पीछे वो देखो उधर हो रही है, इसकी टिल्ट करनी हो वैल्यूज ये देखो, इसको रोटेट करना हो ये देखो, इसमें अगर आप ऑफसेट मूव करना चाह रहे हो देखो इस चेक करो ये सेंटर में ऑफसेट मूवमेंट ये देख रहे हो ये वाली कि ऑफसेट आपके रोज की मूवमेंट हो रही है, ये चेक कीजिए आप पैटर्न देख रहे हो चेंज हो रहा है, ये वापस कर रहा हूं दोबारा से देखो ये स्ट्रेट हो गया पैटर्न, ये बिल्कुल एक लाइन में आ गया। अब ये कॉलम वाइज भी आप कर सकते हो, ये देखो मतलब इतनी की डिटेल है, हर एक पे क्लिक पे आपको उसकी डिटेल यहां पे अवेलेबल है। और मजे की बात इसमें ये है कि आप इसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को भी जो कि आपने बाहर से कंट्रोल किया था यहां से भी कर सकते हैं, ये देखो फोरग्राउंड का मतलब क्या होता है जो पैटर्न है उसका जो फेस है वो क्या है और उसकी ग्राउंड कलर क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं। यहां पे अगर आप चेक कीजिएगा एक फोरग्राउंड होता है एक बैकग्राउंड होता है ठीक है, इन दोनों को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो और ये यहां पे आप इसको टेस्ट करके अप्लाई होते हुए भी देख सकते हो, ये देखो ये देख रहे हो फोरग्राउंड और ये है इसकी बैकग्राउंड, ये इसकी बैकग्राउंड वैल्यू, ये लो जनाब ये लो पैटर्न
कि बैक पे जो इमेज है उसकी प्रेजेंस कैसे चाहिए। देख रहे हो टोटली चेंज हो गया बिहेवियर, पैटर्न के साथ बैकग्राउंड किस तरह ट्रांसपेरेंसी क्या रखनी है। और अगर आपको ये पसंद नहीं है कुछ और लगा के देख लो, ये सर्कल्स वाला आ गया, ठीक है। और अगर आप फोरग्राउंड को लो करना हो वैल्यूज को, ये देखो ये पैटर्न लगा ना के, देख रहे हो, और लो कर दूं, ये लो कितनी मजे की चीज, ये लो और कम कर दूं, ये लो स्पॉट्स हैं इसमें बिल्कुल कम वैल्यूज के साथ, ये बढ़ रही है वैल्यू स्पॉट्स की, वो जो सर्कल्स हैं। बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, इमेज जिसके ऊपर लगा हुआ है आपका, इसको भी ट्रांसपेरेंट कर दो, ये लो ले लो। और ये आपने इसको अपनी मर्जी से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, और यहां तक के बिटमैप भी ऑन कर सकते हो ग्राउंड के ऊपर ना, क्या कह रहा है, कैन नॉट बी इंपोर्टेड ट्राई आर यूजिंग ओपन कमांड। अच्छा पायरेटेड वर्जन, प्रोसेसर इश्यूज, ग्राफिक्स पे ऊपर वर्क नहीं हो रहा, ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ है, बेशुमार इश्यूज हो सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने जब कभी बाहर से अगर आपने आपका सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यहां से कर लिया करो, यहां से एक एक ऑन करो, यहां से सिलेक्ट करो जो भी पैटर्न लगाना है, जो स्टाइल लगाना है, लगा लिया, यहां पे आ जाओ, ये देखो इसको आप क्लिक करके एक एक प्रॉपर्टी को ऊपर नीचे करके, ये चूंकि ना तो मैंने कभी इतनी इसमें डिटेल में जाना है ना आपको मैं कहूंगा, लेकिन पता होना चाहिए कौन सी कहां पे है, ठीक है। हर एक ये ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, ये देखो और इसका प्रेजेंस नजर आ रही है आपको इमेज के ऊपर जो हो रहा है। अब आपको कहूं मैं याद कर लो, याद नहीं होगा, ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर कि आप अपने इमेजेस के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के कौन से इफेक्ट से क्या आउटपुट लेना चाह रहे हो, ये कलर्स की प्रेजेंस, लोमिनेंस, लो वैल्यूज, ठीक है। एक एक करके आपने इसको फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और ट्रांसपेरेंसी, टारगेट, ये मिरर, इसको मिरर भी कर सकते हो, उल्टा भी सकते हो, इधर का उधर, उधर का इधर, पैटर्न वर्टिकल भी कर सकते हो, ये देखो इधर देखो पैटर्न की चेंज, और ये छोटे छोटे पैटर्न लगे हुए हैं, ये एक नहीं है, ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये सारे ब्लॉक्स हैं। और इसके बाद आप आगे चले जाओ, ये देखो ये भी एक पैटर्न है, यहां से आप इसको अगर कोई और लेना है ये ले लो, ये विड्थ और हाइट यहां से कंट्रोल करो, टिल्ट यहां से करोगे, इसकी ऑफसेट की वैल्यूज, रोटेशन ये यहां से कर लेना, ये देखो जहां पे आप सेटिस्फाइड हो मिरर करना, यहां से कर लो, ये लो इधर का उधर, उधर का इधर, पैटर्न वो उसको करता है चेंज। तो ये आप फर्दर अगर आप टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी, ये टेक्सचर्स आ रहे हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, ये एरियल क्लाउड का टेक्सचर है, कलर आपको ब्लू की बजाय कुछ और करना है कर सकते हो, ये लो यहां से आप चेंज करते रहो, उस हिसाब से यहां पर इसकी प्रेजेंस होगी। और शेड कुछ और डालना है, शेड ये ग्रीन डाल देते हैं, ये देखो जैसे जैसे जो चेंज कर रहे हैं वो यहां भी आ रही है, और अल्टीमेटली इसने इसके ऊपर अप्लाई होना है कितना कलर, कौन सा कलर, और नॉर्थ साइड पे कितनी लाइट, राइट साइड पे, ईस्टर्न साइड पे डेंसिटी कितनी, स्मूथनेस कितनी, टेक्सचर की वैल्यू कितनी, काफी सारी चीजें हैं। ये याद नहीं रहेंगी स्टूडेंट्स, लेकिन अप्लाई जरूर करके देख लेना, सैंपल्स भी इसमें बने पड़े हैं, देखो ये लग गया और भी है, बात को और ये इससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज है। सॉरी ये यहां पे है, जब आप ट्रांसपेरेंसी का कोई भी टूल एक्टिवेट करते हैं तो यहां पे आपका एडिट का बटन ये मौजूद आखिर वाला, ये वाला ये एडिट कर। तो अगर कुछ भी नहीं सही समझ आ रही है, नन करना, खत्म, यहां तक ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का काम ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आप कर सकते हो। फिर जहां तक फिल शेल है वो मैंने आपको बता दिया, फिर इसमें एक और काम जो की जा सकती है वो ये कि आई ड्रॉपर, एक है कलर आई ड्रॉपर, एक है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। मेरे पास एक पोस्टर में बनाने गया ये वाला,
इस पोस्टर में मुझे यहां पे लिखना है जी वुमन मैक, और वो वुमन मैक जो मैंने लिखना है वो मैं इसके ड्रेस के कलर को पिक करके यहां पे ड्रॉप करना चाह रहा हूं कलर को। अब वो कैसे होगा? अब इसमें एक तरीका ही हो सकता है कि मैं यहां पे कुछ शेप्स बना के रख लेता हूं। मुझे यहां पे कलर चाहिए, पिक मैंने करना है, ये पिक हो गया देखो। ऊपर जिस पार्ट पे आपने ड्रॉप करना है वहां चले जाओ, आई ड्रॉपर। बात समझे? क्या करता है कलर आई ड्रॉपर टूल, सैंपल कलर्स एंड अप्लाई देम टू ऑब्जेक्ट्स, अप्लाई देम टू ऑब्जेक्ट्स। आपने जहां जहां पेंट करना है आप कर सकते हो। पिक कैसे करना है? यहां से। अच्छा, वो जो पिक करना है ना वो वन बाय वन पिक्सल को पिक करना है, या थोड़ा सा वाइड करना है टू बाय टू पिक्सल को करना है, या और वाइड करना है फाइव बाय फाइव। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब ये देखो जहां पे मैं जा रहा हूं कलर लोड हो रहा है, आई ड्रॉपर स्किन टोन उठानी है आपने ये वाली, ठीक है, या ड्रेस के अंदर ये वाला आपने कलर आपको रिक्वायर्ड है, आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फौरन से पहले ये देखो ये बड़ा बटन एक्टिवेट हो जाता है, ये ड्रॉप करने के लिए होता है। अच्छा, अब आप कहोगे इसको आप यूज कैसे करेंगे? मैं आपको ये कहता हूं कि आपने फॉर एग्जांपल यहां पे इसको एज ए डिजाइनिंग एलिमेंट के तौर पे आपके पास ये कुछ ऑब्जेक्ट बने पड़े हैं, उसमें आपको ड्रॉप करना है इस कलर्स को। बजाय आप डिजाइन का हिस्सा लगे तो आप चाहोगे कि इसके अंदर कलर इस इमेज में से पिक कर दिए जाए ताकि वो उसके साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आई ड्रॉपर एक अच्छी फैसिलिटी देता है। अच्छा, बाज़ूकात ना आपको कलर्स पिक करने हैं इस फ्रेम के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से। जैसे ये देखो, ये आपका बाहर वाला पार्ट है, डेस्कटॉप है ना, ये वाला डेस्कटॉप है। मैं गूगल पे चला जाता हूं, ये देखो मैं दोनों को लोड करता हूं, एक को मैं लेफ्ट पे लगा देता हूं, एक को मैं ड्रैग करके राइट पे लगा देता हूं। अब जरा चेक कीजिएगा, मुझे ये कलर यहां पे ये वाला कलर पहले बड़ा अच्छा लगा। मैं ये चाह रहा हूं कि ये वाला जो कलर है मेरे इन ऑब्जेक्ट्स में फिल हो जाए, ये वाला बाहर का, नॉट फ्रॉम योर इनसाइड एनवायरमेंट, आउटसाइड ऑफ द कॉरिडोर पिक करना है आपने कलर। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि पिक करने का तरीका ये होता है, इसे ऑन करना है, और आप जब इधर आते हो ना तो आप कहते हो ये तो पिक ही नहीं कर रहा, आई ड्रॉपर का आपका बटन ही नहीं आ रहा। और उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप, इसको बटन को ऑन कर देना। अब आ जाओ जहां आना है, देख रहे हो जिस पार्ट पे जा रहे हो उस कलर को वो पिक कर रहा है, जिस पार्ट में जा रहे हो उस कलर को। यहां तक गूगल आइकन है ये बॉटम पे, ये गूगल ग्रीन ब्लैक, ये कलर अच्छा लगा, पिक किया, आ गया, लोड हो गया। पेंट करना है कहां? यहां, ये लो ये लो ये लो। फिर इधर आए, पिक करना है, यस पिक करना है। कौन सा? ये वाला, सॉरी डेस्कटॉप से, बिल्कुल डेस्कटॉप से। कौन सा? ये वाला, कर लिया, ये लोड हो गया। कहां ड्रॉप करना है? अच्छा, इसको एक काम और कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप चाह रहे हो कि इसको फ्यूचर में यूज करना है, ये यहां से कर लो ऐड। अच्छा, अब एक चीज और सुन लो, ऐड टू पैलेट में जाते हो ना, ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट पैलेट। डॉक्यूमेंट पैलेट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट पैलेट आपका कोरल का डॉक्यूमेंट में दो पैलेट्स होती हैं, एक तो ये होती है ना, ये वाली, ये डिफॉल्ट होती है, ये खुद देता है कोरल आपको कलर्स। एक ये बॉटम पे नजर आ रही होती है, ये वाली, इसे डॉक्यूमेंट पैलेट बोलते हैं। इसका फायदा पता क्या होता है? जो कलर आप यूज कर रहे होते हैं ना इस डॉक्यूमेंट के अंदर, वो यहां पे पॉपुलेट हुए जा रहे हैं, देख रहे हो बॉटम पे। अभी मैंने किया है लास्ट वाला,
ऑटोमेटिक रख देता है, ऐड, क्या ऐड, ऐड चेक करो क्या वो ऐड हो गया ब्लू वाला शेड अभी जो मैंने लोड किया है। दोबारा से सुन लो, आपने आईड्रॉपर लेना है, सिलेक्ट डेस्कटॉप करना है, इसको चाहे आप मिनिमाइज कर दो, और सॉरी मिनिमाइज नहीं होगा, इसको हमें साइड पे ही रखना पड़ेगा, साइड पे रख लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये लो पिक किया, सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप, आपको कलर लगा अच्छा ये वाला या ये वाला, ये ले लेते हैं, क्लिक किया, ये ऑरेंज सा कलर आ गया, इसको आपने फ्यूचर में यूज करना है अपने डिजाइन के अंदर, एक तो ना अभी यूज करना है, अभी तो कर लोगे, ये लो फ्यूचर में यूज करना है, इसको पैलेट में ऐड करवा दो ऐसे, वैसे तो ऐड वो खुद ही कर देता है, ये देखो यहां से डॉक्यूमेंट पैलेट, ये आ गया कलर, ये देख रहे हो, ये कल को आप यूज भी कर सकते हो, मसला ही कोई नहीं, करोगे कैसे यूज इसको, हाँ सेव कर लो ना डॉक्यूमेंट को, पक्का रहेगा, फाइल जब सेव होगी ये डॉक्यूमेंट पैलेट भी सेव होता है साथ ही, ये सारे मैंने आए थोड़ी किए हैं, ये मैंने सारे आए थोड़ी किए हैं, ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर देता है, डिलीट करना हो तो डबल क्लिक करके डिलीट कर दो, यहां से जिस चीज को करना है डिलीट कर दो, ये देखो, और यहां तक के ये देखो जो आपको कलर नहीं चाहिए लिस्ट में से, ये अच्छा ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होते रहते हैं जो भी कलर्स आपके होते हैं, डबल क्लिक करो, इसमें भी अगर मजीद चेंज करनी है एडिट कर, ये वही कलर पैलेट है जो नीचे दिख रही है ये वाली सेम सेम, और एक माइप, ये आपके डिफरेंट वर्जन है, ये अगर किसी ने मुख्तलिफ टाइम पे बनाए हो एक से ज्यादा तो वो भी लोड होते हैं, मैंने फिलहाल ये लोड किया हुआ है, आपने यहां से सॉर्टिंग करनी हो, डिलीशन करना हो, कलर ऐड करना हो, कलर को एडिट करना हो, इसमें कलर लोड कौन सा है, ये लेता हूं, ये लेता हूं, ये कलर मुझे अच्छा लगा, मैंने एडिट करना, एडिट में चले जाओ, ये इस पर कलर है आपका, ठीक है करंटली ये है, इसको एडिट मैंने किया, मैंने अब वो एडिट कैसे करना है, आप यहां से भी पिक भी कर सकते हो, यहां से भी आप इसको ऑन कर सकते हो जो भी आपने कलर, और ये वैल्यूज आपकी जनाब मैं आपको एक दोबारा बताऊं, कैंसिल कर दे, ये देखो जिस कलर को आपको चेंज करना है ना, मिसाल मसलन ये एडिट, अच्छा एडिट जब करते हो ना तो इसकी एक्चुअल वैल्यूज आपको दिख रही होती हैं, गौर करना जरा, एक्चुअल वैल्यू आपको दिख रही है, क्या है इसकी एक्चुअल वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है, जी की क्या है, सी एम वाई के, इसको आप जाके यहां से आपने इसको चेंज भी कर सकते हो, एक सेकंड ये मैं हमें कुछ कॉरल में इशू आया, हमने जरूरत से ज्यादा उसको ना टेस्ट करना शुरू कर दिया, ये बैकअप नहीं ओरिजिनल फाइल है, चलें तो बात यह है कि आपकी आई ड्रॉपर आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अपनी पैलेट जो है वो बना भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, आप कलर्स को बाहर से भी लोड करवा सकते हो एनवायरमेंट्स के बाहर से भी, अगर वो आपके इमेज में है वो कलर्स तो इमेज में से भी वो पिक किए जा सकते हैं, जो भी कलर्स हैं इस फोटो में उसको पिक भी किया जा सकता है और उसको फ्यूचर में यूज भी किया जा सकता है, ठीक है आसान सा तरीका मैंने बता दिया है कि अगर आपके पास कुछ शेप्स हैं तो पैलेट आप चाहे इसके थ्रू बना के रख लो अपने पास, इसको फ्यूचर में यूज कर लेना, तरीका ये होता है आई ड्रॉपर, दो बटन याद रखना, एक पिक करने के लिए होता है, एक उसमें फिल करने के लिए होता है, पिक यहां से होता है ये, और सैंपलिंग करनी है वन बाय वन स्क्वायर की करनी है, टू बाय एवरेज निकालनी है, आप यहां से डिसाइड करो, वैसे आमतौर पे पिक्सल की हम पिक करते हैं, और ये आपने कलर डिस्ट्रेस में से पिक कर लिया, ये लोड हो गया यहाँ पे, और ये आपका ऑटोमेटिकली ये भी एक्टिवेट हो गया, ठीक है, और अब आप डॉक्यूमेंट पैलेट पे गौर कीजिएगा, ये आ गया कलर, जब डॉक्यूमेंट ओपन होता है ना तो ये आपका इस पैलेट का हिस्सा अगर आपने बनाना है
आप जो कह रहे थे ना मैं सेव करूं तो कल मिलेगा, सेव फाइल को कर लो मिलेगा डॉक्यूमेंट पैलेट, ये थोड़ी होता है आज आपने इतनी मेहनत करके पता नहीं कहां कहां से कलर्स, कल को फिर दोबारा से मेहनत करोगे, ऐसा नहीं होता। डॉक्यूमेंट पैलेट आप अगर चाहोगे वो कलर रखना फ्यूचर में इस्तेमाल करना है तो इसको ऐड करवा दो, ठीक है। पर इसको अगर आपने कहीं पे इसके अंदर ड्रॉप करना है कर लो, ये है जी आपका आई ड्रॉपर। अब मैं एक चीज और बताने लगा हूं, आई ड्रॉपर के नीचे एक और टूल है बड़ा मजे का, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। अच्छा इसमें पता क्या करता है, आपकी इन प्रॉपर्टीज के मुताबिक पिक एंड ड्रॉप करेगा, कलर को नहीं सिर्फ करेगा, आउटलाइन फिल जो आउटलाइन के ऊपर आपके लाइन स्टाइल लगा हुआ ना सर्कल पे, अब वही चाह रहे हो आप रेक्टेंगल पे, वही चाह रहे हो पॉलीगॉन पे। आउटलाइन की विड्थ होती है, आउटलाइन का एक कलर होता है, आउटलाइन के लाइन का स्टाइल होता है, ये होती है आउटलाइन की प्रॉपर्टीज। एक फिल होता है जो उसके इनसाइड होता है। अब आप किस चीज को पिक करके ड्रॉप करना चाह रहे हो एक शेप से दूसरी में, जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूं इसको, मैं काम करता हूं ये शेप ली मैंने और इसकी मैं विड्थ भी एक सेट कर लेता हूं खास, इस ये शेप ली मैंने इसकी भी एक विड्थ और साथ में लाइन स्टाइल भी डिफरेंट ले लिया, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूं, इसका कलर भी मैंने डिफरेंट कर दिया और इसके ऊपर लाइन स्टाइल भी मैंने डिफरेंट कर दिया और इसकी विड्थ भी मैंने डिफरेंट कर दी, ठीक है। अब ये आपने एक कोई डिजाइन बनाया, डिजाइन बनाने के बाद आप कल को आते हो कुछ मजीद शेप्स ऐड की, आप चाह रहे हो कि जो लाइन स्टाइल जो लाइन कलर इस पे लगा हुआ है वो इस पे लग जाए, इस पे भी तीनों पे। अब वो कैसे होगा, इसके लिए आपने इस प्रॉपर्टी के साथ जाना है एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर। क्या पिक करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट किसके और इसमें से क्या चीज पिक करनी है इसकी, प्रॉपर्टी तीनों चीजें करनी है या किसी एक चीज को टारगेट करना है, आउटलाइन को, ठीक है बाकी ऑफ कर दो, आउटलाइन को टारगेट करना है किसका, इसका लोड हो गया कहां पे अप्लाई कर दो, इस पे सिर्फ आउटलाइन को आपने कहा, आउटलाइन हो गया दोबारा से देखो, हाँ बिल्कुल आपने पिक किया एट्रीब्यूट सिलेक्टर प्रॉपर्टीज में गए, आप चाह रहे हो इस बार ना फिल को भी पिक करें, ठीक है किसकी, इसकी या इसकी, चले इसकी कर लेते हैं, क्लिक किया जो प्रॉपर्टी कहोगे उसको पिक कर लेगा और जहां कहोगे जिस शेप पे वो ड्रॉप कर देगा। बात ये है स्टूडेंट्स कि जरूरी नहीं कि वो आपका सर्कल ही हो, अब ये एक रेक्टेंगल है, अगर आप कहो कि इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लगानी सेंटर वाले की या नीचे वाले की, अब एक तरीका ये हो सकता है इसकी नोट करो प्रॉपर्टीज क्या है ऐसे, अच्छा इसका ये स्ट्रोक है, अच्छा इसका ये लाइन स्टाइल है, अच्छा ये विड्थ हाइट है। अब ये करने के बजाय आप आई ड्रॉपर एट्रीब्यूट यूज कर लो, जाओ इसमें आई एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर पे क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज को एड्रेस करो, कौन कौन सी चीजें उठानी है। अच्छा मजे की चीज में एक और बताऊं, अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ फिल और स्ट्रोक ही नहीं उठाना, क्लिक करने से पहले एक चीज और करनी है, ये देखो जो इस का साइज है वही साइज का भी हो जाए ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपका पोजीशन भी वही उठा ले, रोटेशन भी अगर वही भी उठा ले, अभी फिलहाल मैं साइज करता हूं। अच्छा इफेक्ट्स, ये वही इफेक्ट्स हैं जो हमने कल स्टडी की है, कितनी मजे की चीज है, मतलब इस हद तक आपको फैसिलिटेट करता है। हाँ तो फिर अगर इसमें आप इफेक्ट्स हैं कोई ऐसे तो जरूर होगा, पावर क्लिप शायद करे, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। अच्छा ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने क्या किया, सिर्फ साइज, आप गौर करो क्या ये रेक्टेंगल का साइज वही है जो सर्कल का, इसका नहीं है ना, ये तो एक लंबी सी रेक्टेंगल मजी हुई है और ये एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, लेकिन जैसे मैंने क्लिक किया और यहां पे ड्रॉप किया क्या हुआ,
गम हो गया, ओवरलोड तो नहीं हो गया ज्यादा है? एक होता वो बहुत सर घूमना शुरू हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया आज? तो ये सिंपल देखो है, छोटी छोटी चीजें लेकिन कितनी काम की है अगर इस्तेमाल करनी है तो। दोबारा से देखो, अंडू करता हूं, ये है जी एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर। लेकिन पिक करने से पहले स्टूडेंट्स ये ऑन करना, पिक करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए ये ऑन करना है, पिक करने के लिए ये ऑन करना है, प्रॉपर्टीज में जाना, क्या क्या चीज चाहिए आपको जिसको पिक करना है, क्या क्या चीज चाहिए आपको? आप कह रहे हो मुझे इसकी पोजीशन भी चाहिए, टेक्स्ट के ऊपर होगा वो टेक्स्ट के ऊपर होगा, टेक्स्ट मैंने लिखा नहीं होगी, टेक्स्ट पे होगा वो, टेक्स्ट है नहीं ना, मैं टेक्स्ट लिख के दिखाता हूं आपको। पोजीशन, अच्छा रोटेशन भी है, मजे की बात, कितनी जबरदस्त चीज। ये देखो मैं एक चीज आपको करके दिखाता हूं, एक काम करते हैं इसको मैं रोटेट भी कर देता हूं कुछ इस एंगल में, शेप कोई और है, अगर ये देखो शेप इसका, इसके साथ कुछ मुकाबला है ही नहीं, वो एक एलिप्स ही है, ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन कितना कमाल चीज होगी कि अगर मैं इसको आई ड्रॉपर के थ्रू, जो एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर है, इस पर क्लिक करके यहां से टूल को ऑन करके प्रॉपर्टीज में जाके फिल आउटलाइन भी उठानी है, आपकी मर्जी है। आप चाह रहे हो कि सिर्फ इसकी फिल पिक करनी है, आपसे फिल रहने दो। अच्छा एक और काम करने जा रहा हूं मैं, जितना एक रोटेट हुआ हुआ है, ये जो ऑपोजिशन है इसकी जो साइज है इसका, वो पिक करे, ट्रांसफॉर्मेशन क्लिक करो, ये लो लोड हो गया, ये आ गया इधर आ। अभी तो किया मैंने अंडू, ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है, चलो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में डिफरेंट कर देता हूं, फिल भी डिफरेंट कर देता हूं, सब कुछ मैंने डिफरेंट कर दिया। मैं चाह रहा हूं कि ये जो सर्कल है जिस तरह का ये है, वो इफेक्ट्स एक दो तीन चारों पे लग जाए, सेम जो इस पे लगे हुए। पोजिशन मैं नहीं करूंगा, चले बाकी सब कुछ करता हूं, पोजिशन करूंगा तो ये सारी चीज उठा के इसके ऊपर आ जाएंगी। नहीं नहीं, एक एक करके क्लिक करूंगा, अलग अलग एक एक करके, ऐसे नहीं। अब बताता हूं आपको, फिर आप यहां पे आओ, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर क्लिक किया, ये ऊपर ऑन है ना, बिल्कुल ऑन है, किसको पिक करना है बताओ, इसको करना है पिक, इसको करना है या इसको करना है? लास्ट वाले को। अच्छा लेकिन एक काम और कर लेते हैं इसमें, मैं इसको खत्म करने लगा हूं, अगर मैं इसको ऑन रखूंगा, ये जो जिस चीज पे मैं क्लिक करता जाऊंगा उठा के यहाँ पे रखते जाएगा इसके ऊपर, पोजीशन भी वही हो जाएगी जो इसकी है, तो मैं पोजीशन नीचे करता बाकी करने लगा हूं, ठीक है। अब ये देखो, ये पिक कर लिया, एक एक करके देखो, ये सॉरी, और हर दफा देखो उसको वो रोटेट उस हिसाब से करा, क्या क्या कह रहे हो? रेक्ट शेप नहीं चेंज होगी, उसकी रोटेशन वैल्यूज, फिल कलर जो आपने कहा था, शेप तो आपने कही, उसने कहा था चेंज करने को, इसमें जब मैंने ये किया इसमें कहाँ लिखा हुआ है शेप चेंज करना है? फिल आउटलाइन लिखा हुआ है करने को, और इधर क्या लिखा हुआ है? शेप चेंज करना है, साइज रोटेशन और पोजीशन का आवाज, शेप तो कहा ही नहीं उसने, हाँ अगर वो कहता शेप भी वैसी बना देगा, उसके लिए तो आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, कॉपी पेस्ट कर लो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लो, वो तो बन ही जाती है, ये नहीं हो रहा था अभी तक जो नई चीज आज आपने सीखी है, बाकी तो वैसे ही हो जाता है वो जो आप कह रहे हो। अच्छा एक काम और करते हैं, ये इसमें से कोई एक प्रॉपर्टी करके देख लेते हैं, एनवेलप लगाते हैं एक, और टेक्स्ट अगर करनी है, हाँ लेंस में आपको बताता हूं। अच्छा ये आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैं लिख देता हूं यहां पे, ट्रेनिंग्स साइज वाइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं,
इसका कलर अगर डालना है, सॉरी इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका कलर वगैरह, इसकी स्ट्रोक वगैरह, ये कर दिया मैंने, देख रहे हो स्ट्रोक एंड कलर। क्या हो गया स्ट्रोक, ठीक है। अब ये टेक्स्ट लिखा मैंने, अब मैंने हेडिंग का एक हिस्सा लिख दिया था, रिमेनिंग मैंने बाद में लिखना था। कल परसों जब मैं आया मैंने कहा यहां लिखता हूं ट्रेनिंग सेंटर, क्या ये दोनों सेम है क्या चीजें, फॉन्ट शॉन्ट कलर आउट स्ट्रोक सेम है क्या? नहीं, एक तो ये है कि जो इसके ऊपर अप्लाई किया है वो इस पर भी कर दो, रिपीट करो दोबारा, 19-20 हो गया तो आपका कसूर। अब देखो इसको आप आई ड्रॉपर के थ्रू बड़ा कमाल तरीके से कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने क्या करना है, आई ड्रॉपर लेना है एट्रीब्यूट वाला, यहां पे चले जाना है, ऑन है प्रॉपर्टीज में, टेक्स्ट को उठाना है विथ फिल एंड आउटलाइन, तीनों चीजें ठीक है जी। और आपने आके कह दिया किसका, इसका, किसके ऊपर, इसके ऊपर, बात समझ आई है, अप्लाई हो गया कि नहीं हो गया, कितना आराम से हो गया काम आपका सीधा। जो इसके ऊपर था वो इस पे भी अप्लाई हो गया, इसका मतलब कुछ भी लिखा जाए अगर टेक्स्ट यहां पे एनी टेक्स्ट, पर आपको कहा जाए कि इसके ऊपर वही प्रॉपर्टीज आ जाए जो इसकी हैं, या इसकी इधर आ जाए, जैसे आप पसंद करो। आई ड्रॉपर यहां पर जाकर पहले चेक कर लेना, ऑन है, पिक कहां से करना है, यहां से, ड्रॉप किस पे करना है, इधर, सेम प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है वो उसकी। क्योंकि ये भी ऑन है साइज। अच्छा एक काम, अगर मैं साइज ऑफ कर दूं तो, अब देखो यहां पे काम करता हूं, टेक्स्ट लिखता हूं एक और नया, न्यू टेक्स्ट, ये लिखा मैंने टेक्स्ट, ये पढ़ा मैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूं इसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज जरूर हो, साइज ना हो, ये साइज ऑफ कर दिया मैंने, साइज मैंने ऑफ कर दिया। अगर रोटेट करोगे, अगर ये रोटेट होता ये भी उतना रोटेट हो जाता, रोटेट वाला तो मैंने सीन नहीं ऑन किया, पोजिशन करूंगा। अच्छा मजे की बात सुनो, पोजिशन कर देता हूं, साइज नहीं करता, क्या होगा कोई बता सकता है? पोजीशन होगी, बिल्कुल होगी, ये लो किस पे, इस पे, ये साइज भी हो गया क्या? हाँ वो पोजीशन तो उसने ले ली है, मैं वो देख रहा हूँ, नहीं साइज को क्यों किया, साइज ऑन था क्या? हाँ पोजीशन मतलब जिस पोजीशन वो पड़ा हुआ है, ये वही है जैसे शेप पे शेप आ रही थी, पोजीशन है, ये वही चीज है, नई चीज नहीं करवाई मैंने। अच्छा एक छोटा सा चीज है वो, चल पोजीशन को देख लेते हैं, पोजीशन तो कर रहा सही, साइज को नहीं किया। मैं एक चीज आपको करवा लेता हूँ, इफेक्ट्स कोई डालते हैं, एक आध एक शेप बनाते हैं उस पर इफेक्ट्स डालते हैं, एनवेलप के चले इफेक्ट्स डालते हैं, एनवेलप आपको पता है कल मैंने सीखा था, मैं इसको एनवेलप इफेक्ट्स के साथ ट्रेनिंग को एनवेलप इफेक्ट्स लगाता हूं। ये इफेक्ट्स लगाए मैंने एनवेलप के, मैं चाह रहा हूं यही एनवेलप के इफेक्ट्स इस सेंटर पे भी लग जाएं। अब इसके लिए इफेक्ट्स ऑन करना पड़ेगा जब आप पिक करोगे, सोर्स से क्या पिक करें, एनवेलप को, ठीक है। चाहो जी जरा इधर कहां पे जिसको आपने पिक करना है, ये वाला एरिया कहां ड्रॉप करना है, इस पे पोजिशन भी वो थी, तो पोजिशन अगर आप ना करते तो बेहतर था, चले हो गया पोजिशन ऑफ कर दें, ये देख लो ये फैक्स को भी पिक कर लेता है। हाँ जी कोई है हमारे साथ या चले गए, तो हम भी फिर ऑफ कर दें। हाँ जी है अंजुमन मोहम्मद यूसुफ, मेरे वो तो अभी तक समझ आ रही है आपको सर? हाँ
हाँ जी वो कार्ड तो देख लें। अच्छा अभी काफी है आज के लिए। अच्छा अभी मैं सिर्फ क्लोज करने से पहले सिंपल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ना जब मंडे को आएंगे ना मंडे को तो हम 6:30 पे अपनी रेगुलर सेशन लेंगे और लास्ट 30 मिनट्स में कोरल की कुछ मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं। खत्म नहीं हुई आज के लिए काफी रखते हैं इसको, ठीक है। मंडे को हमारा अगला जो पार्ट है कौन सा हो रहा है? इलस्ट्रेटर फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप हमारा स्टार्ट हो रहा है मंडे को, ठीक है। कल नहीं है, कल हो सकता है हमारे कुछ एडमिशन हो तो उसके लिए मैं फिर उनके साथ आऊंगा ऑनलाइन या यहाँ पे। वैसे तो आपने कल नहीं आना, आपने मंडे को अपने जो नॉर्मल जो रूटीन है उसी में आना है 5 बजे से, लेकिन आपने रहना है 5 से 7 बजे तक। 5 से 6:30 तक हम फोटोशॉप का सेशन क्लोज करने के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे 6:30 से 7 o'clock तक। उसमें कुछ मैं समझ ओवरडोज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, फिर वो समझ आते आते थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आपको। तो मैं कुछ ऑप्शन आपसे डिस्कस करूंगा। हाँ, आने वाले लेक्चर में क्या डिस्कस करना है, एक तो टूल्स हैं कुछ छोटे छोटे, मुश्किल नहीं है, करने को आज भी करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम ज्यादा हो जाएगा। ये टूल्स हैं कुछ और कुछ मजीद ऑप्शन हैं इफेक्ट्स मेन्यू के अंदर, कुछ टेक्स्ट मेन्यू के अंदर, कुछ टेबल में कुछ, और ऑब्जेक्ट पैनल में थोड़ा सा ऑप्शन हैं जो मैं चाह रहा था आपसे मैं डिस्कस करूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखो। अच्छा मोहम्मद यूसुफ कह रही है मेरा टूल बार सही शो नहीं हो रहा, पूरा शो नहीं हो रहा टूल बॉक्स के लिए मैंने। हाँ ये देखो ना, ये टूल बॉक्स नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसमें यहाँ प्लस पे क्लिक कर सर, ठीक है, प्लस पे क्लिक करके आप लोगों ने ये प्लस यहाँ से इसको रीसेट कर देना, ठीक है। यस ये टूल बॉक्स ओके हो जाएगा, प्लस पे क्लिक करके ना यहाँ से रीसेट जी सर। और बाकी ये है कि अगर आप आउटलाइन मिस कर रहे हो तो आउटलाइन यहाँ से ऑन कर लेना, क्योंकि ये रीसेट में ये नहीं आती ऑन, इसको ऑन खुद करना पड़ता है। और फर्दर आप अपना टूल बार खुद भी बना सकते हैं कस्टमाइज, यहां तक कि आप अपना टूल बार खुद भी बना सकते हैं, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। चलें इंशाल्लाह ये चूंकि बात सामने आ गई है तो ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आप अपना भी टूल बार बना सकते हैं। हाँ जी अपना टूल बार बना सकते हैं। ये टूल बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये टूल्स हैं सारे, ये टूल बॉक्स आप मिस्टर शहूद मिस्टर यूसुफ आप अपने नाम से टूल बार बॉक्स बना सकते हैं अपनी, जैसे ये बनी नहीं है ना टूल्स के बारे में, ये टूल्स नजर आ रही हैं जूम की टेक्स की लेआउट की, और ये कुछ डिफॉल्ट होती हैं, आप अपना भी टूल बॉक्स यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन आज नहीं करवाऊंगा इसको, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वो गड़बड़ हो जाएगा आपका। कुछ करवानी है ऑप्शन, कुछ और भी इफेक्ट्स बड़े मजे के हैं इसके अंदर। ये जो इफेक्ट्स है ना इसमें मैं आपको ये सारे इफेक्ट्स एक दफा दिखा के समझा के आपको बंद करूंगा ये सारे। और ये देखो ये हमने आर्टिस्टिक मीडिया बेवल ब्लेंड ये कंटोरिंग लेंस इसमें आ रहा है, ठीक है, ये लेंस जरूर आपको करवाऊंगा। लेंस हो गया, फिर एक काम बिट मैप थोड़ा सा मैंने बता दिया था आपको, ये इसके अंदर इन ऑब्जेक्ट पैनल में ना कुछ चीजें हैं समझने वाली, यहाँ पे ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये अभी हमें 1 घंटा 2 घंटा और चाहिए। अगर तो मेरे पास नया एडमिशन होता है फिर तो मैं उसके साथ चलूंगा फोटोशॉप के साथ, अगर नहीं होता तो फिर मैं आपके साथ चलूंगा कोरल के साथ, ये डिपेंड करता है एडमिशन पे, अगर होते हैं तो मैं फिर उसके साथ लगा तो वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चा, तो अदरवाइज फिर हम इसको करेंगे 6:30 भी क्लोज नॉर्मल सेशन और 6:30 से फिर 7 में 2-3 रोज में करवा दूंगा आपको अगले वीक में। समझ आई रिमेनिंग ऑप्शन कोरल की, कुछ चीजें बताने वाली हैं।
आपको पता होनी चाहिए।